हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए, दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमेशा बिंदास रहो। बिंदास मतलब आप टेंशन फ्री रहो, हमेशा बिंदास रहना मतलब हैप्पी रहना। बिंदास मतलब होता है कि फ्री माइंड होना, मतलब एकदम हैप्पी रहना। मतलब इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, हमेशा बिंदास रहो मतलब किसी चीज के टेंशन नहीं करो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफी भाग दौड़ वाला है, और हर व्यक्ति की बात करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मतलब चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला बंदा हो, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में अपने अपने काम है, उसके एज के हिसाब से और उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से। कोई जॉब करता है तो कोई स्टडी करता है, कोई किसी चीज की तैयारी करता है, कोई स्टूडियो चलाता है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस करता है, कोई घर को संभालता है। तो इस तरीके से सबके पास अलग अलग काम, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, मतलब हर चीज को लेकर। तो और जब अलग अलग सबके काम होते हैं तो उनको करने में कई बार मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं, और जब वो काम नहीं हो पाता है कहने मतलब, तो हमें टेंशन भी होने लगती है कहने मतलब। तो जो टेंशन होती है तो हम जो हमारे एक हैप्पी माइंड होता है वो हैप्पी माइंड ही रहता है, उसे टेंशन के अंदर घुस जाता है। मान लो जैसे कि अब हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे भी कि अगर आप मतलब बिंदास नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे कहने मतलब, तो उसका मतलब सोल्यूशन तो नहीं है, मतलब कि आप एकदम सीरियस हो गए, वो काम नहीं हो पा रहा है। और हालांकि वो काम हो जाएगा, थोड़े उस पर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा जैसे मायूस हो जाओगे मतलब, और उसमें बहुत ज्यादा बोलोगे तो ये तो हो ही नहीं रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन होगा जरूर। तो जब वहां पे आप क्या होते हो, आपको टेंशन सी हो जाती है, तो वहां पर कहने मतलब टेंशन लेने से या किसी चीज को ना होने से, थोड़ा टाइम लेने से वो चीज सॉल्व तो होगी नहीं, और जो जिस काम को इतना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही कहने के मतलब। तो आपको ऐसे टाइम पर मतलब बिंदास रहना है, मतलब हैप्पी रहना है। बिंदास मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हैप्पी रहना है और किसी चीज की टेंशन नहीं करनी है कहने मतलब। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई स्टूडेंट है, और स्टूडेंट जो होता है वो चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़े, चाहे वो पहले दूसरी में हो या 10th 12th में हो या कॉलेज में क्यों ना हो, जब स्टडी कर रहा है तो उसके बाद अलग अलग टास्क होंगे, जैसे टेस्ट की तैयारी करना, होमवर्क टाइम पर करना, प्रैक्टिकल्स वगैरह तैयार करना या टाइम पर पूरा करना कॉलेज वगैरह में। तो जैसे जो 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, मतलब 100 में से आपके 75 मार्क्स के एग्जाम होता है सेमेस्टर के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैं भी दिल्ली के PGDB कॉलेज से पास आउट हूँ 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट से, और फर्स्ट डिवीजन था। तो मुझे जो काम वगैरह मिलते थे कॉलेज से, मतलब वो सेमेस्टर के हिसाब से हुआ करते थे, क्योंकि 3 साल में 6 सेमेस्टर होते थे और हर साल 2 सेमेस्टर का हमें तैयारी करना होता था। तो और जो एक पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, और 100 में से जो हमारा जो सेमेस्टर वाले एग्जाम होता था वो 75 मार्क्स का होता था, और बाकी जो 25 मार्क्स होते थे उसमें से 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते थे, 10 मार्क्स होते थे आपको असाइनमेंट बना के जमा करना होता था, और 10 मार्क्स होते थे हमारे टेस्ट के, मतलब वो कोई भी किसी भी टाइम मतलब आपसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट हुआ करता था 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से 10 मार्क्स टेस्ट के, 10 मार्क्स असाइनमेंट के, और 5 मार्क्स अटेंडेंस के, और बाकी 75 मार्क्स जो होते थे वो सेमेस्टर का एग्जाम होता था। इस तरीके से वो 100 मार्क्स के होते थे। तो कहना है मतलब इस तरीके से हमारे पास, जब आपको पता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको अलग अलग चीजें करनी है, तैयारी करनी है, और आपको अपनी स्टडी को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट, अपने अटेंडेंस को लेके, या जो भी आपका काम मिलता है उसको लेकर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा मतलब। तो ऐसे टाइम में आपको जो भी काम मिलता है, जो आपको करना है, उसको हैप्पी माइंड रख के करना है, यानी बिंदास रह के करना है, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने आपको
उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा डीपली मतलब गहराई से, अगर आप उसमें मायूस से रहे हैं कि अरे कैसे करूंगा मैं, या कैसे किस टाइम पर कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे करूंगा या कैसे ये पूरा होगा, अकेले में कैसे कर पाऊंगा, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उठते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे जो मतलब जो थोड़े मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो बहुत ही मतलब किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं, लेकिन थोड़े जो वीक होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं और अनहैप्पी हो जाते हैं मतलब। तो वहां पे भी आपको जैसे अगर आप स्टडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मायूस नहीं होना है, मतलब बिंदास रहते हुए जो आपकी क्लास में जो हाई मार्क्स लाते हैं, इंटेलिजेंट है, उनसे आप उनकी आप हेल्प ले सकते हो कि आपने वो जो असाइनमेंट वगैरह तैयार किया या प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किया तो उसको तैयार करने में आपने किस चीज ड्रिल को फॉलो किया या किन किन स्टेप्स को फॉलो किया, और हर व्यक्ति मतलब आपकी हेल्प करेगा, मतलब बस आपको अपने आप को हैप्पी रखना, और हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप दिमाग पर लोड रखोगे कि मेरा ये काम मुझे कंप्लीट करना है या हो ही नहीं पा रहा है या कैसे करूंगा, तो इन चीजों को दिमाग में रखने से या मायूस होने से या सैड होने से उस चीज का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है उस चीज का हल ढूंढने से, मतलब कि आप ऐसे फ्रेंड्स को साथ अपना मतलब कांटेक्ट रखो, या जो पढ़ने में टैलेंट होते हैं उनके साथ अपने फ्रेंडशिप रखो ताकि कभी आप जो भी आपको काम पड़े या जो भी आप करना चाहते हो मतलब उसमें आपकी हेल्प कर सके, और हमेशा फिर वो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको इस तरीके से जब आपके कांटेक्ट अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अच्छे होंगे और आपका जोन अच्छा होगा जिसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो आपकी वो डेफिनेटली हेल्प भी करेंगे और आप हमेशा बिंदास रहोगे, हैप्पी भी रहोगे कहने मतलब। और आपको बिंदास रहना भी चाहिए, हैप्पी रहना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए हमारे हैप्पी माइंड बिंदास होना बहुत जरूरी है मतलब, तो बिंदास आपको हमेशा रहना चाहिए। दूसरी तरह हम बात करते हैं जैसे जो आगे रखे मतलब जैसे जब वो कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कर ले तो कई लोग आगे रखे जॉब भी करते हैं, कई लोग बिजनेस भी करते हैं, और दूसरे वगैरह भी लोग काम करते हैं अपने घर के बिजनेस में, हाथ वगैरह भी बढ़ाते हैं कहने मतलब। तो वहां पर भी जैसे कोई बंदा जॉब जॉब करता है तो जॉब हर व्यक्ति की अपना अलग अलग टाइप की जॉब होती है, जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई साइंटिस्ट होता है, कोई किसी की बॉडी वगैरह अच्छी होती है तो वो आर्मी में होता है, या फिर बॉडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड और क्या बोलते हैं जिम ट्रेनर मतलब, और सॉन्ग राइटर सिंगर डांसर प्रोफेसर लेक्चर टीचर, मतलब आजकल दुनिया भर के हमारे पास जो मतलब जैसे तो फील्ड होते हैं ना करियर बनाने के अवेलेबल है, तो हर व्यक्ति का जो अपना अपना फील्ड है, कोई बंदा जॉब करता है कॉलिंग का जॉब करता है, टीम लीडर का जॉब करता है, मार्केटिंग का सेल्स का या जो भी जॉब करता है उसको उसके अपने जॉब से रिलेटेड उसके पास कई सारे काम वगैरह होते हैं, या उसके ऊपर कई सारा वर्कलोड होता है कि मीटिंग करनी है आजकल जैसे अभी कोरोना के टाइम में जो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आपको उसकी सावधानी तो बरतनी है, लेकिन जैसे जब कोरोना का टाइम था तो जैसे जैसे हम उससे उभर रहे थे मतलब निकल रहे थे, तो उस टाइम लोगों ने जूम के थ्रू क्लासे वगैरह देना शुरू कर दिया था मतलब, तो जूम पे मीटिंग भी होती थी, क्लासे भी होती थी, कुछ भी बात वगैरह करना होता था तो जूम के थ्रू होता था, तो उस टाइम जैसे लोगों को काफी जैसे जॉब करते थे तो उनको प्रिपेयर करना होता था कि किससे किसकी मीटिंग करानी है और क्या बात करानी है, यहाँ पे सेटअप कराना है या जो भी वगैरह होता था, तो जो बंदा भी जॉब करता है उसको अपनी काम को लेकर उसको बहुत सारा प्रेशर होता है, टेंशन वगैरह भी होता है, लेकिन होता है कि इन दिमाग पे लोड और टेंशन का लोड रखने से या वर्क का लोड रखने से वो चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है। और टेंशन जैसे कि मैं आपको आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको टेंशन के 3 बैड इफेक्ट्स भी बताया, मतलब इसमें आपको बताया था कि रूप बल और ज्ञान का नाश होता है टेंशन वगैरह करने से मतलब। तो आपको पता ही है जो आपको वो काम करना ही है तो अपने ऊपर वर्क लोड या प्रेशर या फिर टेंशन क्यों रखे, हाँ आपको करना है तो आप अपने माइंड को अपना फ्रेश रखो, हैप्पी रखो और बोलो कि जो मैं काम करना है वो तो मुझे करना ही है, तो मैं अपने ऊपर फालतू का लोड या प्रेशर या टेंशन क्यों रखूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों से कुछ होने वाला तो है नहीं है ना, सिवाय इनसे नुकसान ही होता है अपने हेल्थ को। तो आपको उस टाइम भी एकदम अपने आप को बिंदास रखना है, हैप्पी रखना है, और जब सुबह उठते तो आपको यही दिमाग में यही ध्यान रखना है कि भगवान हर किसी को जब सुबह उठता है तो हर एक सुबह जो होती है एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ
अच्छा करो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, कंप्लीट करो। मतलब तो बस यही आप ध्यान रखो कि आप बिंदास रहते हो, हैप्पी रहते हो, जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे, और जो भी आपका एफर्ट होगा मतलब आप उसमें अपना पूरा पूरा 100% गुड एफर्ट दोगे, अपने अच्छे से अपने तरफ से अच्छा पूरा प्रयास करने की कोशिश करोगे, जो भी आपको जॉब पे काम मिलता है, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो अच्छे तरीके से हो रहा है, और आप हैप्पी माइंड रखो, बिंदास रहो, और लाइफ में जो भी टेंशन है उसको निकालो। और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी बनना है तो, लेकिन टेंशन लोड या प्रेशर रखने से वो चीज नहीं होने वाली है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बिंदास रहो, हैप्पी रहो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, लाइफ में हमेशा आप बिंदास रहो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में हमेशा खुश रहें, मतलब हैप्पी रहे, क्योंकि खुश रहना अच्छा माना जाता है जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर, और हमेशा खुश रहना अच्छा होता है लाइफ के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जीवन में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही हो कि आजकल का जो टाइम है, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने आम में बिजी है, मतलब और हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर काफी सीरियस है, उसमें एकदम मतलब जैसे मतलब जैसे अपने अपने काम में सीरियस है, बिजी है, और दूसरी चीजों के लिए वो टाइम निकालना चाहता है, बट अपने काम इतना ज्यादा वो बिजी है, मतलब कि उसे बहुत मतलब दिमाग या सोचना पड़ता है, या बहुत अपने मतलब दूसरी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे आपको मान लो कुछ काम करना होता है, तो हो सकता है उसी टाइम में आप जो काम कर रहे हो उस टाइम दूसरा काम भी हो, तो आप जो आपको वो काम भी करना, वो भी अर्जेंट है, बट आप प्राइमरी किसको दे रहे हो, मतलब जो आपका दोनों में से जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला वर्क है उसको आप प्रायोरिटी देते हो। इस तरीके से मतलब फिर जैसे हम बात करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या जो बड़े कॉलेज में कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, या घर में, या जो हाउस वाइफ होते हैं घर में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग मतलब एज को लेकर, एज के हिसाब से और अलग अलग वर्क लेवल के हिसाब से हर व्यक्ति अपने आप में बिजी रहता है, और अपने में काम में हमेशा हमेशा मतलब शुरू कर रहा होता है कहने का मतलब। और जब हम अपने अपने अलग अलग प्रकार के जब काम करते हैं, अपने अलग अलग स्टेज लेवल के हिसाब से, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको उस चीज में मतलब जैसे बोलते हैं कि आप खो जाते हो, और हाँ दिमाग में मतलब स्ट्रेस भरा रहता है, टेंशन भरा रहता है कि मतलब कि हमें इस काम को करना ही है, और करने के साथ साथ फिर आपको टेंशन रहती है कि इसको टाइम पर करना है, अच्छे से करना है, पूरा कंप्लीट करना है, और हमें हमें अच्छे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो इस जब इतनी सारी चीजें होती है, मान लो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको अपने अपने वो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो छोटी क्लास में हो, मतलब चाहे वो नर्सरी केजी में हो, तीसरी चौथी में हो, आठवीं नौवीं में हो, इलेवन ट्वेल्थ में हो, या फिर कॉलेज में क्यों ना हो, हर मतलब जैसे जो स्टूडेंट होता है उसको अपने स्टडी से रिलेटेड जैसे जो भी उसको काम वगैरह होते हैं, चाहे वो होमवर्क करना हो, प्रोजेक्ट्स बनाना हो, असाइनमेंट वगैरह बनाना हो, या टेस्ट की तैयारी करना हो, या एग्जाम की तैयारी करना हो, तो उसको अपने काम को लेकर मतलब दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है कहने मतलब। तो कहने मतलब फिर ऐसे टाइम पे जब आपको वो काम तो करना ही है, जो भी आपको काम वगैरह मिलता है आपके स्कूल के अंदर, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, चाहे प्रैक्टिकल वर्क क्यों ना हो, कोई ऐसा भी क्यों ना हो, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वहां पर आपको जो भी आपको काम मिलता है, तो आप अगर उस चीज को हैप्पी माइंड से करेंगे, मतलब आप खुश होकर करेंगे, मतलब क्योंकि वो आपको करना ही है, मतलब तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपको अच्छे सा रिजल्ट मिल रहा है, और आप उसको अच्छे से करते हुए जा रहे हो,
दिमाग में टेंशन रखने से, स्ट्रेस रखने से उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो कहना है मतलब आपको उसी काम को, जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट प्रैक्टिकल वर्क होमवर्क या जो भी आपको करने को मिलता है, आपको उस काम को हमेशा हैप्पी रहकर करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहोगे तो आप खुश हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज में आपको रिजल्ट ही मिलेगा और सक्सेस ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो बंदे जॉब करते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, साइंस हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जब अच्छी बॉडी खास अच्छी खासी जब किसी की बॉडी होती है तो वो लोग आर्मी में जाते हैं और जिम ट्रेनर, बॉडी ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन जाते हैं मतलब, और अपना अपना जिम भी चलाते हैं। कई लोग सिंगिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कई लोग प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, मतलब हर किसी को अपने अपने काम में मतलब अपने अपने काम को लेकर वर्क का लोड तो दिमाग पर होता है। जो टीचर वगैरह तो उनको भी अपने उन पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको अपने अच्छे जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ाना है और अच्छा मार्क्स, उनको अच्छे स्टडी मतलब उनको अच्छा नॉलेज देकर, जो उनके सब्जेक्ट्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उनके अच्छे मार्क्स उनको उनके सब्जेक्ट में उनको मतलब उनको लाना भी है मतलब स्टूडेंट्स उनको अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो उनको अपना अलग ही एक प्रकार का होता है। इसी तरीके से जो बंदे जॉब करते हैं ऐसे टीम लीडर, ऐसा या कॉलिंग सेंटर में, या दूसरे ऐसा फील्ड बॉय या डिलीवरी बॉय या जो भी दूसरे काम बंदे करते हैं, तो उनको अपने अपने काम को लेकर दिमाग में वो रहता है कि अरे डिलीवरी बॉय के लिए होता है टाइम पर डिलीवरी देना होगा, डिलीवरी नहीं हुई टाइम पे तो हो सकता है बंदा रिजेक्ट कर दे या ना ले। जैसे जो बंदे पिज्जा डिलीवरी करते हैं या कोई भी खाने की चीज डिलीवरी करते हैं, अगर टाइम पर नहीं होता है तो जो बंदा लेने वाला होता है ना उसका मूड ऑफ हो रहता है, या उसको उस टाइम भूख लगी होती है, तो अगर उसको टाइम पर नहीं मिलता है तो कई बंदे नहीं लेते हैं इस तरीके से। तो उस डिलीवरी बॉय पे काफी ज्यादा उसके दिमाग में वो होता है कि टाइम पर डिलीवरी देना। तो इस तरीके से मतलब हर व्यक्ति का अपने अपने लाइफ के अंदर जो भी बंदा काम करता है उसको लेकर मतलब काम तो उसको करना ही है, तो लेकिन आप अगर किसी चीज को स्ट्रेस लेकर या दिमाग पर लोड लेकर करोगे तो उस काम में आप ज्यादा और उसको कर रहे हैं प्रॉब्लम आए, क्योंकि स्ट्रेस लेना लोड लेना उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो आपको जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो आप हैप्पी होकर निकलो, दिमाग को फ्रेश रखकर निकलो। उसके लिए आपको अगर कोशिश नहीं तो आपको करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठने की, सुबह मेडिटेशन वगैरह करने की, योगा वगैरह करने की। जब मैं पुराने वीडियो से बताया कि ओम चैंटिंग करके अगर आप करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, हैप्पी रहेगा, रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है मतलब। तो जब आपका सुबह एकदम एनर्जेटिक होगा तो जो भी आप काम करोगे हैप्पी माइंड से आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपको हमेशा किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड को पहले हैप्पी रखना है, और हैप्पी माइंड रखोगे, चेहरे पे आप स्माइल वगैरह रखोगे तो आप देखोगे कि जो भी आप काम करते हो उसमें आपको करने में मजा भी आ रहा है और वो काम टाइम पर कंप्लीट भी हो रहा है, और वो टाइम बिल्कुल पॉजिटिव वे के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से तो आपने सीखा कि आपको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। इस तरीके से जो वर्किंग लेडीज होती हैं जो घरों में काम मतलब घर को संभालती हैं, सुबह उठकर बच्चे को तैयार करना स्कूल जाने के लिए, फिर सुबह के टाइम बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच तैयार करना, हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए दोपहर का लंच तैयार करना, नाश्ता करना, घर तैयार करना, घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी हैं, नानी नानी है, वो उनके लिए मतलब उनके लिए आपको सुबह का नाश्ता तैयार करना, और फिर जब सब चले जाते हैं तो फिर घर के सारे काम करना, बर्तन धोना या कपड़े वगैरह धोना छोटा बच्चा है तो, फिर उसके बाद दोपहर के खाने में लग जाना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना और घर की सफाई वगैरह करना, और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं मतलब ए टू जेड बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो लेडीज होती है तो हर किसी को अपने शरीर मतलब ताकत, कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन और कल्चर काम बैक टू बैक करते हुए बंदा थक भी जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे ऑफिस में काम करे, घर पे काम करे, चाहे ऐसा स्टूडेंट आप कोई भी स्टडी वगैरह क्यों ना कर रहे हो। तो जब घर का काम भी करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़े टायर्ड हो जाते हो, फीलिंग करते हो कि अरे आज बहुत ज्यादा काम हो गया मतलब, और थका थका सा फील होता है, तो उस टाइम आपको काम तो आपको भी करना ही है तो, लेकिन आप और जब टायर्ड फील करते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए मतलब, क्योंकि कंटिन्यू वर्क करते हुए क्या होता है शरीर आपका बीमार भी पड़ सकता है या कोई भी मतलब बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि जब टायर्ड होते हो तो बॉडी एक इंडिकेटर एक संकेत दे रही होती है कि आप थक गए हो, थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो। जैसे होता है ना कोई भी मशीन हम कंटिन्यू चलाते हैं या काम करते हैं तो हमें जब उसमें आवाज आने लगती है शरीर को, उससे अगर हम टायर्ड फील करते हैं कोई भी काम करने के बाद, तो
उस टाइम में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए या थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लेना चाहिए किसी चीज को देख कर, चाहे वो कॉमेडी की चीजें आती हैं मतलब टीवी वगैरह पे, या थोड़ा सा मतलब एंटरटेनिंग कुछ करके घर के अंदर, मतलब जैसे कोई मूवी वगैरह देख लिया या कुछ कोई गेम वगैरह खेल लिया, खेलने मतलब, और हमेशा अपने माइंड को हैप्पी रखना है, फ्रेश रखना है। तो जो वर्किंग लेडीज भी, उनको भी अपना जो माइंड है मतलब हमेशा हैप्पी रखते हुए, और जो भी काम करना है तो आपको करना ही है, और अगर आप टायर्ड होते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपको बॉडी को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, और उसके बाद आप काम करते हैं तो वो फिर सही वे में होता जाएगा मतलब। तो इस तरीके से आपको अपना जीवन में हमेशा हैप्पी रहना है, और किसी भी काम को करने करते वक्त हमेशा खुश होकर करना है, कि क्योंकि वो आपको काम तो करना ही है। अब दिमाग पे स्ट्रेस या टेंशन या लोड रखने से कुछ काम तो होने वाला है, मतलब उस काम पे उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा मतलब। तो आप हमेशा कोई भी काम कह रहे हैं मतलब हमेशा हैप्पी होकर करना है, खुश होकर करना है, और प्रसन्न रहकर करना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, की जीवन में हमेशा खुश रहें और कोई भी काम करें तो हमेशा हैप्पी होकर करें, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके भी बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो को एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें कभी भी टेंशन नहीं करना चाहिए, यानी कहने मतलब टेंशन मत करो, जीवन में टेंशन कभी भी मत करो, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि टेंशन करने से काफी ज्यादा बॉडी को प्रॉब्लम होती है, और टेंशन करना किसी भी चीज के लिए सोल्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल का जो टाइम है काफी भाग दौड़ भरा है, हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने काम को लेकर, अपने अपने टास्क को लेकर, अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपने अपने बिजनेस को लेकर, या जो भी वो करंट टाइम में करता है उस चीज को लेकर। जैसे कि आजकल हम अलग अलग एज लेवल के हिसाब से बात करें तो जो छोटा बच्चा होता है मतलब, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जब कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो 1 से 3 साल तक तो वो बच्चा जो होता है वो कुछ कर ही सकता है, तो 2-3 काम ही वो करता है, कहने में चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, क्योंकि दांत वगैरह निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वही बच्चा मतलब 4थे साल में प्रवेश करता है तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत देश में दो तरह के देश दो तरह के सॉरी स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठे से लेकर 10th तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठे से फिर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी, फिर KG, फिर LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड तरीके से आगे की बड़ी क्लास तक होता है। तो वो जब बच्चा अपने 4थे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया रहता है, देन वही बच्चा वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने के बाद हर हर एक क्लास को आगे अपनी मेहनत लगन परिश्रम से पास करता हुआ आगे बढ़ता ही है, कहने मतलब। तो जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो आप सभी को पता ही होगा जो बच्चे की 4 से 13 साल तक की जो एज होती है, जो कि मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वो जो एज होती है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। तो इस एज इस ये जो एज का टाइम होता है मतलब इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन ज्यादातर उसका मन जो होता है खेलने कूदने पर वो उसको अच्छा लगता है। जैसे जो हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसी गली में रह रहे हों, या उसी घर में हो, या स्कूल में हो, या क्लास में क्यों ना हो, हर जगह जो हम उम्र के बच्चे होते हैं खेलने कूदने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो हर जैसे अब जैसे बात में टेंशन कर रहा था, तो अगर वो बच्चा पढ़ मतलब जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, तो और उसको जब स्कूल में डालने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर बच्चा तो है, लेकिन बच्चा होने के साथ साथ उसको अपने दूसरे काम भी करने हैं, पढ़ाई के साथ साथ उसको पढ़ाई भी करनी है, क्लास में होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है, फिर जो ढंग बताया कि उसको पढ़ाई का जो मन हो उसको मन जो ज्यादा पढ़ाई मतलब पढ़ाई का तो करना ही है, लेकिन
साथ में उसको खेलने पर उसका ज्यादा ध्यान होता है, मतलब क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, मतलब हम उनके बच्चों के साथ खेलना, तो उसको अपनी अपनी जो अपनी एज के हिसाब से अलग सोचना होता है। वो गली में देखता है दूसरे बच्चों खेलते हैं, उसका ही मन करता है ये खेलने का। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, मतलब सीनियर होता जाता है, बड़ी क्लासों में जाता है, तो बड़ी क्लास में जैसे जब 8वीं 9वीं या 10th 12th में पहुंचता है, तो वहां पर और ज्यादा उसके प्रेशर होता है कि अरे उसको मतलब आगे का, जैसे ये पता ही हो कि 10th क्लास जो होता है बोर्ड का, उसमें एग्जाम वगैरह होता है, दूसरे स्कूल में जाना होता है, और 10th के जो 10th का क्लास होता है उस पर उसी पे डिपेंड करता है कि आप आगे जाके, जैसे हमारे देश में, भारत देश में 3 तरह के फिर आपको स्ट्रीम देखने को मिलते हैं, एक साइंस कॉमर्स आर्ट। साइंस आर्ट्स जो लेते हैं उसमें डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, जो कॉमर्स बंदे लेते हैं वहाँ पे सीए बनते हैं, बैंक मैनेजर बनते हैं या दूसरी और भी चीजें अकाउंटेंट बनते हैं, और जो आर्ट साइड लेते हैं वो दूसरी चीजों को चूज करते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर टीचर और बाकी जो भी काम होता है वो कर सकते हैं, मतलब। तो इस तरीके से वो हर चीज 10th के मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं कॉमर्स लेने के लिए कम कम से कम आपको 70-80% चाहिए होता है, और आर्ट और कॉमर्स तो आपको, आर्ट और साइंस तो आपको 60-65-70% मिल जाता है, मतलब। तो बच्चे पे काफी प्रेशर होता है कॉमर्स लेने के लिए, तो बच्चे को स्टडी करने का टाइम तो निकालना ही, और साथ में दूसरी चीजें भी तो करनी होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनानी होती है। इस तरीके से जब वो बंदा बच्चा 12th में पहुंचता है तो वहां पे उसको अपना मार्क्स लाने का टेंशन होता है, इस तरीके से चलो वो मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आता है। लेकिन जैसे फिर वो 11th 12th में जाता है, तो वहां पर भी उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको फिर पता है कि 12th के बाद जो होता है कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, मतलब। और कॉलेज जो होते हैं, 2 तरह के कॉलेज होते हैं, मतलब। जैसे एक होता है रेगुलर कॉलेज, जिसकी जो कट लिस्ट वगैरह है, जो मार्क्स काफी ज्यादा हाई, 80-90-95% चाहिए होता है, और इनमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन वगैरह हो पाता है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, कहने का मतलब। और दूसरी तरफ जो दूसरी तरह का स्कूल होता है वो होता है ओपन से स्कूल। ओपन में भी आपको एडमिशन लेने कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं 12th क्लास में। तो जब बच्चा वो 12th में पहुंचता है, मतलब चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, चाहे वो साइंस कॉमर्स आर्ट से क्यों ना हो, जैसे कि मैं 12th में आर्ट साइड लिया था, तो मैं जब 12th क्लास में था तो मेरे 76% आए थे उस टाइम, और मैं फिर मेरी जैसे 2011 में मतलब जब पास आउट हुआ था, तो उस टाइम 76% आने के बाद मेरा जो इजिली जो कट लिस्ट निकला था कॉलेज का, रेगुलर कॉलेज का, तो मेरा सेकंड कट लिस्ट में जो PGDAV कॉलेज, वैसे साउथ कैंपस में ही मेरा, मतलब जो मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो ऐसा बखा रहा था कि जो नॉर्थ कैंपस में मतलब जो कॉलेज वगैरह काफी बड़े हैं और फेमस है, और साउथ साउथ कैंपस में मतलब साउथ दिल्ली में जैसे कॉलेज PGDAV, तो मेरे घर से पास था, तो मेरा उसमें इजली एडमिशन हो गया। फिर मैंने अपना वहां से कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया, और फिर 2015 मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट कर ली 1st डिवीजन के साथ। तो मेरा जो नंबर था उसके साथ साथ मेरे को नॉर्थ कैंपस में भी जो कि काफी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो वहां पर मेरा और नाम तो आगे, बट काफी दूर होता था मेरे घर से जाने का, और DO की डिग्री तो इक्वली है, चाहे आप नॉर्थ कैंपस से करो या साउथ कैंपस से। लेकिन आज जो मेरा कॉलेज PGDAV, वो ऐसा माना जाता है कि वो काफी बड़ा कॉलेज है, और कैंपस काफी बड़ा और काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं, मतलब गूगल पे सर्च करके कॉलेज के बारे में डिटेल्स कि कॉलेज कहाँ पर है, और उसके आपको दिखेगा भी। तो कहने मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि जब बंदा 11वीं 12वीं 12वीं क्लास में होता है, तो उस पर एक अलग प्रेशर होता है कि अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, 80-90% से ऊपर नहीं आए, तो उसे फिर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज का उसको वहां पर लेकर टेंशन रहता है कि अरे मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे ओपन से पढ़ना पड़ेगा, और हर बोलते हैं कि बहुत ही लकी बंदा होता है जो रेगुलर कॉलेज पढ़ता है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है, कॉलेज में जाना और नए नए फ्रेंड्स का बनना। जैसे स्कूल 12th तक तो हमें एक यूनिफॉर्म में होता है कि आपको यूनिफॉर्म को फॉलो करना है और नीट एंड क्लीन रखना है, लेकिन कॉलेज में आप कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, हर बंदा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे लुक रखता है, और अपने आप को मतलब जैसा वो रखना चाहे उस तरीके से मेंटेन करता है पढ़ाई करने के साथ साथ। तो
तो इसलिए और रेगुलर कॉलेज की बातें अलग होती है, जो बंदा करता है वो उसकी लाइफ का गोल्डन लाइफ होता है, क्योंकि हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाता है, बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है, लेकिन वो मिलता है मेहनत करने से। तो यहाँ पर कहने का मतलब टेंशन उस बच्चे को होती है कि मैं कैसे करूंगा, कैसे नंबर लाऊंगा, नंबर ही ला पाया तो मुझे फिर ओपन से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे मैंने जो छोटे क्लास के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो या बड़े क्लास के, आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेंशन करने से या दिमाग को प्रेशर रखने से कि मैं नंबर कैसे लेके आऊंगा, वो उसका सोल्यूशन नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, जब मार्क्स आएंगे तभी आपको जो भी आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन टेंशन करना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो या जो भी आप लाइफ में मतलब या मतलब जो भी आप इतने परसेंट मार्क्स ला के आप जो टारगेट रख रहे हो 12th में 80-70 जो या जो भी लेके आना है, तो मैं जैसे अपने अपनी बात करूं अपने पर्सनली, तो मेरा टारगेट था उस टाइम 80% लेके आने का, लेकिन 76 आए। तो जो भी आप अपने मन में टारगेट रखते हो तो उसके आसपास ही आते हैं, मेरे 76 आए, तो अगर आप 90 लेके चलो तो 80 आएंगे, एग्जैक्ट तो नहीं आते लेकिन आते उसके आसपास ही है मतलब। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है टेंशन ना करते हुए आप अपनी कोई रूटीन बनाए, कोई इंडेक्स बनाए और एक रूटीन को फॉलो करें कि मुझे हर हाँ सब्जेक्ट को टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है, टेंशन नहीं करना है, क्योंकि टेंशन करोगे तो उस टेंशन करने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, और टेंशन करने से किसी चीज का हल भी नहीं निकलता है मतलब। तो चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा क्यों ना हो या बड़ी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करोगे तभी आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यही कोशिश करना है कि जो भी आपकी क्लास है आपको अपना पूरा मेहनत करो और अपना पूरा का पूरा एफर्ट दो, और इस तरीके से जब बच्चा अच्छा मार्क्स ले आता है, तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं 80-90 से ऊपर या, तो उनका रेगुलर एडमिशन होता है। जो कॉलेज में जब बंदा पहुंचता है तो जिनके कम आते हैं 60-65-70 वो तो ओपन से ही करें, क्योंकि रेगुलर में तो एडमिशन मिलता नहीं है, लेकिन जो बंदे फिर रेगुलर अच्छे नंबर ला के रेगुलर में आते हैं तो उनको फिर वो लाइफ देखने को मिलती है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलती, वो होती है रेगुलर कॉलेज की। क्योंकि मैंने उस कॉलेज की लाइफ को जिया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे भी साथ शेयर कर सकता हूँ। तो रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। इस तरीके से जो बंदे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनको वो डिग्री लेनी होती है, चाहे BA BCom की हो, BSc की हो, या MBA की हो, या MA की हो, तो इस चीज के लिए भी आपको फिर काफी मेहनत करनी पड़ती है मतलब। और फिर डिवीजन की बात भी होती है कि थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन, तो 60 से ऊपर वाले को फर्स्ट डिवीजन बनाया जाता है कॉलेज के अंदर। तो मेरे 63% थे जब मैं कॉलेज अपना कंप्लीट किया था, फर्स्ट डिवीजन था, और मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा मतलब जब आप और जब आगे की क्लास में जाते हैं, जो कि मैंने किया और मुझे उसका जो फल होता है मिला। तो ये थी कि आप स्टूडेंट्स, ये मैंने बात किया स्टूडेंट्स के बारे में कि आपको लाइफ में टेंशन नहीं करना चाहिए, अपने आप को हैप्पी माइंड रखते हुए, खुश रखते हुए, अपने आप को प्रसन्न रखते हुए, आप जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो किसी क्लास में उसकी तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, आपको जरूर उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। इस तरीके से जो बंदे जॉब वगैरह करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या किसी की बिजनेस में हेल्प करते हैं या अपना खुद का कुछ चलाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनके लाइफ में भी काफी सारी मतलब जैसे काफी ज्यादा उनको मतलब जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम में जैसे जब धीरे धीरे कोरोना से उबर रहे थे, निकल रहे थे, तो उस टाइम लोगों काम तो करना ही, तो जो स्कूल के बच्चे वगैरह हुआ कर मतलब स्कूल के बच्चे होते थे, स्कूल ना जाकर मैडम वगैरह उनकी जूम पर क्लासे वगैरह लेती थी, उनको होमवर्क वगैरह देती थी, तो स्टूडेंट्स वगैरह जूम से मतलब सबके पेरेंट्स होते थे जूम के थ्रू अपने बच्चों को क्लास दिलवाते थे। इस तरीके से जो बंदे जॉब पर जाते हैं या कोई टीम लीडर का, कोई कॉल सेंटर, कोई कुछ भी काम करता है, कोई बिजनेस ही आता है, तो हर व्यक्ति की अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड उसको अलग अलग प्रकार की टेंशन होती है कि मुझे कल फिर मतलब डेली का उसका रूटीन होता है कि मुझे जॉब पर जाना है, टाइम पर पहुंचना है, जो मीटिंग वगैरह उसको अरेंज करना है, टाइम पर उसको खत्म करना है। पर्सनली बहुत सारे घर के टेंशन वगैरह होती है कि जैसे मान लो मम्मी बीमार है उसको उनको डॉक्टर को दिखाना है, या बच्चा बीमार है उसको स्कूल में फिर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह, मतलब टेंशन जो होती है दुनिया भर की हो सकती है मतलब, कि आपको टाइम पर जाके उसको खत्म करना है, कहने मतलब उस चीज को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है कहने मतलब। तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन करने से, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था पुराने वीडियो के अंदर, कि टेंशन करने से
तीन चीजों का आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको पहले बताया और फिर से एक बार बता देता हूँ कि टेंशन करने से रूप बल और ज्ञान का नाश होता है, कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है। मतलब तो टेंशन करने से आप उस चीज को सोल्यूशन तो निकाल नहीं पाएंगे, और उसका आपका, जैसे मैंने बताया कि जो रूप होता है आपका, तो फिर से आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि रूप मतलब जो आपका खूबसूरती है, आपका जो चेहरा है मतलब, या आपका जो शरीर का बनावट है, उस पे उसका आपको इफेक्ट पड़ेगा उसका रूप। मतलब आप टेंशन होती है तो आप देखते होंगे कि चेहरे पे काफी स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो आपका आपका चेहरा हैप्पी नहीं रहता है। बोलते हैं कि अगर बंदा चेहरे पे मुस्कुराहट को रखता है, हैप्पी को रखता है, मतलब को चेहरे पे स्माइल रखता है, तो उसके चेहरे को खूबसूरती बढ़ जाती है। और जब बंदा चेहरा रो रहा होता है या दिमाग पर टेंशन रहता है, उसको चेहरा एकदम से लगता है किसी ना किसी सोच में बंदा वो डूबा हुआ है, और जिस सोच में वो डूबा होता है उसी चीज में और ज्यादा वो डूबता रहता है। क्यों डूबता रहता है? टेंशन को दिमाग पे रखने से। तो जैसे मैंने आपको पहला बताया कि टेंशन करने से रूप पे इसका इफेक्ट पड़ता है ना, रूप होगा आपका, चेहरा होगा, और ज्यादा ब्यूटी ना हो के उस पे और इसका इफेक्ट पड़ता रहेगा। तो देखोगे आंखों के नीचे मतलब क्योंकि टेंशन आप लेते रह रहे हो, चेहरे पे मतलब और ज्यादा जो चेहरे की खूबसूरती है वो खत्म खत्म होती रहती है, और चेहरा उस पर खराब होता रहता है। तो ये था टेंशन का पहला इफेक्ट, मैं आपको शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। दूसरा जो होता है रूप बल, रूप के बाद आता है बल, यानी सेकंड बल, जो आपकी फिजिकली फिटनेस है, जो ताकत है, उस पर भी आपका उसका असर पड़ने लगता है। जैसे 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 मैंने बताया कि जो बंदा बिजनेस करता है या स्टडी करता है या जॉब करता है या किसी बिजनेस को संभालता है, चाहे कॉलेज में क्यों ना पढ़ता हो, तो उसको हर व्यक्ति को अपने काम से लेकर और बिजनेस से लेकर या अपने स्टडी से लेकर, अपने प्रोजेक्ट से लेकर, अपने असाइनमेंट से लेकर या अपने सब्जेक्ट से लेकर उसमें जैसे डूबा ही रहता है कि अरे मैं जैसे स्टूडेंट से डूबा रहा, मैं अच्छे मार्क्स कैसे लेके आऊँ, इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूँ, इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूँ, तो और मुझे कॉलेज में अपनी पूरी अटेंडेंस रखनी है, कई बार बंदा बीमार पड़ जाता है कॉलेज नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से बंदा टेंशन में डूबता रहता है, और फिर जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसको टाइम पर जॉब पे पहुंचना है, मीटिंग अटेंड करनी है, फाइल को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ऐसा टीम लीडर अगर काम करता है तो टीम को मैनेज करना है, उनको चीज़ों को ब्रीफ एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना है कि वो जो आपकी टीम है अच्छे तरीके से और अच्छे वे में काम करे। तो जब हर व्यक्ति के अपने अपने मतलब काम को लेकर उसके ऊपर दिमाग पे स्ट्रेस मतलब वर्क का लोड होता है या प्रेशर वगैरह होता है या स्टडी का उस पर प्रेशर होता है मतलब, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आपकी उसकी आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। यानी जो आपकी बल है, यानी जो आपकी ताकत है, आपकी फिटनेस है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है टेंशन करने का। क्योंकि जब टेंशन करने लगते हो तो आप उसी जैसे मैंने बताया कि आप उसमें डूबते जाते हो, और टेंशन के अंदर डूब जाना मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब टेंशन में डूब करके अरे मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे हो पाएगा और किस तरीके से होगा, तो आप सिर्फ सोच में डूब जाने से कि मैं कैसे करूंगा वो उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको उसका हल निकालना पड़ेगा। हल कैसे निकलेगा? पॉजिटिव वे में सोचने से मतलब। तो आपको टेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। तो दूसरा मैंने बताया आपका जो मतलब उसका आपका जो इफेक्ट है वो आपका जो बल है वो कमजोर होगा, यानी फिजिकली फिटनेस कम होगी। तीसरा जो होता है रूप बल ज्ञान, तीसरे पे आता है ज्ञान जी, यानी जो आपकी नॉलेज है वो धीरे धीरे आपकी वीक होती जाएगी। तो जैसे आपने बताया जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं मतलब, तो टेंशन लेने से क्या होगा कि एक तो आप जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स वगैरह जब तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आप याद ना करते हो, उसे आप टेंशन लेते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपकी याद रखने की क्षमता या याद करने की क्षमता है किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो आपके सब्जेक्ट्स में हो या गाइड में हो या आपकी मतलब या आपकी स्टडी में क्यों ना हो, तो आपको उस चीज को याद करने की जो क्षमता है धीरे धीरे वीक होती जाएगी, और मेमोरी पावर जो होता है मतलब कमजोर होता जाता है। क्योंकि क्योंकि उसका इफेक्ट आपके ज्ञान पर पड़ता है, ज्ञान मतलब जो आपका नॉलेज है, और नॉलेज आपके जो आप सोचते हो या करते हो या जो भी चीज को आप स्टडी करते हो उससे उससे रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज है। तो कहने वाले जैसे मैं आपको बताया कि चिंता करने से यानी टेंशन करने से तीन चीजों में आपका बॉडी इफेक्ट पड़ता है, रूप बल और ज्ञान की हानि होती है। तो आपने देखा कि सिर्फ टेंशन करने से आपको नेगेटिव चीजें ही मिल रही हैं, तो आप और टेंशन करने से किसी चीज का सॉल्यूशन भी नहीं निकलना है। तो कहने का मतलब आपको टेंशन नहीं करना है, और टेंशन जीवन में कभी ना करते हुए अब करें कैसे, तो आपको हमेशा
पॉजिटिव वे में सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब कि जो होगा मैं कर लूंगा, मैं टेंशन दिमाग में नहीं रखूंगा, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करूंगा। और चाहे कैसे भी मतलब जब भी आपको कुछ टेंशन आती है किसी दिमाग का किसी या किसी काम का, आपको लगता है कि वर्कलोड हो रहा है या वर्क प्रेशर दिमाग पे हो रहा है, तो आपको अपने चेहरे पे स्माइल लाना है और यही सोचना है कि उस काम को मुझे करना तो है ही, और मैं अगर टेंशन करता हूँ या उसी का प्रेशर लेता हूँ अपने दिमाग के ऊपर, तो मेरे टेंशन लेने से या उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने से उस चीज का सोल्यूशन तो निकल नहीं पाएगा, है ना। तो मैं यही मुझे कोशिश करना है कि जब भी मुझे कोई काम मिलता है तो मैं अपनी पूरी एफर्ट से, अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी मेहनत से, हार्डवर्क से, और अपनी पूरी अच्छी अपनी जो मेरी पूरी अपनी जितना मैं उसमें अपने आप को बेटर अपना दे सकता हूँ उसके थ्रू मैं उस काम को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखेंगे जो आप टेंशन नहीं करते हैं जीवन के अंदर कभी भी, और जब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, चेहरे पे स्माइल वगैरह रखते हैं, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ रहता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहेगा तो किसी भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होगी, एक सोच होगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और जब आपकी सोच मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो आपको फिर कभी टेंशन नहीं होगा, और आप किसी भी काम को जो भी आप चाहे आप स्टडी का कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो या डे टू डे जो भी आपका काम है या बिजनेस कर रहे हो या जॉब पर जाते हो या मीटिंग वगैरह करनी है या टीम लीडर ऐसा टीम लीडर आपको गाइड करना है, मतलब तो ए टू डे जो भी आप काम करना चाहते हो उसको आपको करने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखोगे जो आप बिना टेंशन लिए कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, मतलब तो आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, आपका वो काम सफल हो रहा है और आपको उसमें पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिल रहा है। तो आपने देखा कि जब हम जीवन में टेंशन नहीं करते हैं तो हम किस तरीके से हम किसी भी काम को अच्छे से कर लेते हैं, और टेंशन करने से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता है और उसका बॉडी पे इफेक्ट ही पड़ता है। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में कभी भी टेंशन नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी टेंशन मत करो। ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जीवन में आप कभी भी टेंशन मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं रितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके और लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे समय के महत्व को पहचानो, मतलब जो टाइम है उसके हमें महत्व को पहचानना, इंपॉर्टेंस को पहचानना है। तो समय के महत्व को पहचानो, समय के महत्व को पहचानना है, तो हम इसी चीज पर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो टाइम है मतलब काफी तेजी से मतलब बढ़ता जा रहा है, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने काम को लेकर मतलब जो भी उसका काम है या प्रोफेशन है या बिजनेस है या कहीं पर जॉब करता है या फिर कोई स्टूडेंट है किसी क्लास में स्टडी करता है, मतलब तो हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर मतलब आजकल बिजी है, और उसी में हमें हमेशा मतलब खोया रहता खोया मतलब उसी काम को करने में हमेशा बिजी रहता है मतलब। तो इस तरीके से ये भी हम देखते हैं कि जब आजकल के टाइम जो हमारा जो समाज है आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो लोग हैं वो भी अपने अपने कामों को लेकर अपना दिन भर कुनो कुछ करते हुए अपनी अपने आप को मतलब अपने इनकम को कैसे अच्छा करें या कैसे अच्छा बनाए, मतलब कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है या कुछ ना किसी ना किसी चीज में लगाए रहता है, मतलब कोई सब्जी बेचता है, कोई परचून की दुकान करता है, कोई क्या बोलते हैं और कोई बड़े बड़े जो प्रोफेशनल मतलब ऐसे बंदे होते हैं, तो कई लोग अलग अलग तरह के बिजनेस वगैरह करते हैं। तो आजकल का जो टाइम है हर व्यक्ति कोई भी काम करता है मतलब, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है टाइम का, क्योंकि टाइम का सदुपयोग करके ही हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं जो हम अपने लाइफ में बनना चाहते हैं। जैसा कि
हाँ सर बिल्कुल, मैंने बताया कि जो आजकल का टाइम काफी तेजी से बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, मतलब और मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, मतलब चारों तरफ हर चीजें अपडेट होते जा रही हैं। आज के 10 या 15 साल पहले जो फोन आया करते थे उतने अपडेटेड नहीं होते थे, आज इतने सारे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के फोन आते हैं, अलग अलग चीजें आ चुकी हैं आधुनिकीकरण के इसी युग में, मतलब हर चीज मॉडर्न होता जा रहा है, मतलब तो हर चीज आजकल समय के साथ अपडेट होती जा रही है मतलब। और ये सब कैसे हो रहा है, जो लोग काम करते हैं मतलब वो उस समय का टाइम का अच्छा उपयोग करके चीजों को बनाने में लगे हुए हैं, ताकि जो व्यक्ति हो उन चीजों का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए अपने आप को जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बना सके, कहने का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो समाज है उसमें 3 तरह के लोग, स्टेटस वाले लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले, ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, रिची रिच होते हैं, वो जो भी कुछ चाहते हैं वो इतने खरीद सकते हैं मतलब, और उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बंगले वगैरह होते हैं, और ऐसे लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियां वगैरह चलाते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं मतलब। तो इन लोगों के पास कोई पैसे कमी नहीं होती, और ये लोग काफी दान वगैरह भी करते हैं मतलब अच्छे कामों के लिए, ताकि जो गरीब है उनका भला हो सके। दूसरी तरह हम देखते हैं मिडिल क्लास के लोग, जो जिनके पास घर तो बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी उनके पास अपना अच्छा घर होता है, गाड़ी वगैरह होती है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी खासी उनकी नौकरी भी होता है, अच्छे से अपना जीवन वगैरह जी रहे होते हैं। तीसरी तरह देखते हैं हम उन लोगों को जो सिंपल लोग या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, इन लोगों को अपने जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही ऐसे लोग हैं जो जो बड़े बड़े जो लोग जो रिच फैमिली वाले होते हैं वो कंपनियां वगैरह फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, उनके फैक्ट्री में लेके काम करते हैं या कंपनियों में काम करते हैं या ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। और ऐसे वो लोग होते हैं जो गाँव से या जो पिछड़े जगहों से मतलब शहरों में आकर रोजगार की तलाश में मतलब जॉब वगैरह करते हैं, और जॉब करने के साथ साथ मतलब अपने घर को संभालते हैं, अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं। और क्योंकि ऐसे लोग होते हैं मतलब जो दादा अपनी लाइफ में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल होने की वजह से, सिंपल होने की वजह से, तो या उन्होंने अपनी लाइफ में काफी मेहनत किया होता है, टाइम का एक बोलते हैं कि उपयोग अच्छे से किया होता है, लेकिन जो उनकी कंडीशन होती है करंट उससे वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं मतलब, क्योंकि अच्छी स्टडी तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो जब आपके फैमिली कंडीशन जैसी होगी उसी के साथ अपनी स्टडी को पूरा कर पाते हैं मतलब उसको। तो इस तरीके से वो बंदा मतलब अपने घर को संभालता है, सुबह ऑफिस जाता है, चाहे वो खुद की गाड़ी भी नहीं होती, कई लोग तो रेंट पर घरों में मतलब रेंट पर है, दिल्ली या बड़े बड़े सिटी हो, दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया या बैंगलोर हो गया या मुंबई हो गया, वहां पर जाके लोग रोजगार की तलाश में जॉब वगैरह करते हैं और वहीं से जो उनकी इनकम होती है उससे अपने गांव में पैसे भेजते हैं, कई लोग फैमिली के साथ शहरों में ही रहते हैं मतलब रेंट पे मतलब सुबह जाते हैं, मतलब कई लोग पास गाड़ी नहीं होती, कई लोग साइकिल से रहते हैं, कई लोग ऑटो या बस पकड़ कर जाते हैं और जॉब वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि कभी भी अगर जॉब क्योंकि प्राइवेट जॉब है कभी भी मतलब जा सकती है, तो फिर उनको जॉब ढूंढना पड़ता है मतलब, क्योंकि फिक्स जॉब नहीं होती है प्राइवेट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो फिक्स होती है मतलब कि जाते नहीं, इसलिए तो लोग इस तरीके से अपने लाइफ में मेहनत कर रहे होते हैं। वो लोग भी टाइम का जो भी होता है उसको सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो हम बनना था वो तो हम बन गए टाइम का उपयोग करके, लेकिन जो उनके बच्चे हैं मतलब उनको वो अच्छी स्टडी दे सके, अच्छा पढ़ा लिखा सके, इसलिए वो लोग जॉब करते हैं और अपने मतलब जो उनके किड्स होते हैं उनको अच्छा लाइफ देने की कोशिश करते हैं, कहने मतलब। तो अब हम आगे इसी वीडियो में बात करते हुए बात कर रहे हैं कि आप सभी को पता होगा कि आजकल के टाइम में मतलब जब इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है मतलब, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी जो 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है तो इस एज में खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, और अपने पैरों पर चलना चलना फिरना सीखता है मतलब। तो इस तरीके से वो 2-3 काम ही करता है मतलब सीखने की, जो कि चलना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, तो दांत वगैरह होते हैं तो बोलना वगैरह सीखता है, कहने मतलब। लेकिन जैसे ही वो
3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है, तो उस बच्चे को स्कूल में स्टडी के लिए डाल दिया रहता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि फर्स्ट से प्राइमरी तक होता है, और फर्स्ट से स्टार्ट होता है, देन 6 से लेकर 10th है जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12th तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट, जो कि पहले से ना स्टार्ट होकर नर्सरी से सबसे छोटी क्लास में स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी से स्टार्ट होकर फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए फिर आगे क्लास, फिर कॉलेज लाइफ होती है। तो उस बच्चे को स्टडी के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है, कहने में मतलब तो उसको स्कूल में डाल दिया रहता है, तो वहां से वो अपने बच्चा जो होता है स्टडी लाइफ की शुरुआत करता है। तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन मैंने ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसको 14 साल में स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है, तो 4 साल से लेकर जो 13 साल तक की जो एज होती है, वो जो एज होती है, चाहे वो किसी किसी भी बच्चे के लिए वो उसकी चाइल्डहुड लाइफ होती है, यानी वो बचपन वाला उसका जीवन होता है। मतलब तो वो पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन इस एज में क्या होता है, पढ़ाई तो करता है और हर साल अपनी मेहनत मेहनत लगन परिश्रम से या हार्डवर्क से जो भी क्लासेस होते हैं उसको पूरा मतलब पास करता हो रहता है, लेकिन इस एज में क्योंकि वो उसका बचपन का लाइफ है मतलब, तो उसका जो ज्यादातर मन होता है हम उनके जो बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में हो, चाहे उसके स्कूल में हो, चाहे उसके क्लास में हो, या घर में क्यों ना हो, चाचा होता हो, मौसा, बुआ, मामा, मामी, किसी का भी हम उम्र का बच्चा मतलब अगर कोई होता है तो उसके साथ को खेलने कूदने में काफी मजा आता है, मतलब उसको एंजॉय करना काफी ज्यादा पसंद होता है खेलने कूदने में। वो देखता है कि गली में दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं मतलब पड़ोसी के, तो उनके संग जाकर हम उनके बच्चों के संग खेलने में उसको ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार उसके कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं गिरने वगैरह की वजह से, कई बार उसको चोट वगैरह भी लगती है मतलब, लेकिन उसको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब, और वो सिर्फ खेलने कूदने में ज्यादा उसको इंटरेस्ट होता है मतलब। तो इस तरीके से जो बच्चा जब अपने 13 साल तक की लाइफ मतलब 13 साल का कंप्लीट होकर फिर जब वो 14 साल में जाता है, देन उसकी जो चाइल्डहुड का टाइम होता है ऐसा माना जाता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर वहां से जो लाइफ शुरू होती है वो होती है सिंसियर लाइफ, मतलब धीरे धीरे चीजों को समझना क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो इन चीजों को जो बाहर की दुनिया को देखते हैं वो बड़े क्लास में ही पहुंच जाता है, तब तक 8वीं 9वीं या 7वीं में अपने योग्यता के हिसाब से मतलब, जो भी अगर उस टाइम वो क्लास में हो मतलब 13-14 साल की एज में मतलब, तो बाहरी चीजों को समझता है और देखता है कि जैसे वो बचपन में खेला करता था, कपड़े गंदे करता था, तो अब उसे कपड़े गंदे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि कपड़े गंदे करने पे मम्मी मारेगी, क्योंकि उसको मम्मी को कपड़ा धोने में प्रॉब्लम होगी, और टीचर ये मारेगी उसको नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छा दिखना है, अच्छे स्टडी करनी है मतलब, और अच्छी स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है, और क्योंकि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा मतलब जो बच्चा है उसका जो किड है वो हर क्लास में पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी लेके आए और डिवीजन और रैंक भी लेके आए मतलब, तो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, तो उस बच्चे को ये भी होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिश है मतलब उसको भी पूरा करना है, और आगे जाकर जब मैं बड़ी क्लास में जाऊँ तो 10th या 12th को पास करने के बाद मैं अच्छे मार्क्स से पास करके आगे की रेगुलर लाइफ भी, रेगुलर कॉलेज की लाइफ है उसको भी पढ़ूँ। तो ये जो भी आपका जो आगे का सीक्वेंस है मतलब पढ़ाई करना, टाइम पर मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना, या माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करना, ये सब पॉसिबल है कैसे, सिर्फ आपके अपने ड्रीम्स को पूरा मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको टाइम का यानी जो आपका समय है उसको उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो यह भी बच्चा, वो जो किड होता है बच्चा ये भी देखता है कि उसके जो घर में मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादा जी हैं या नाना जी हैं मतलब, उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में, करियर में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर आगे का काम किया, या किसी बिजनेस को किया और हमारे अपने घर को संभाला मतलब, जैसे उनके जो फादर है यानी जो जो उस बच्चे के फादर है, तो उसके दादाजी हैं मतलब उसके फादर हुए उसके पापा के, तो वो देखता है कि जो तो उस फादर भी है वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। इसी तरीके से वो ये भी देखता है कि आगे जाकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम में जैसे कि कई सारे
करियर बनाने के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे आप जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग ऑप्शंस की, तो जैसे हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, सिंगर, डांसर, सॉन्ग्स राइटर, क्रिकेटर, हर चीज डिपेंड, आप कोई भी चीज बन सकते हो। एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग इन सेल्फ लाइफ, बट इट्स नीड एफर्ट, हार्डवर्क एंड फोकस। तो आप कोई भी चीज लाइफ में अचीव कर सकते हो, उसको मैं भी आपको थोड़ा और अभी आगे बताऊंगा। तो और कोई भी कुछ भी बन सकता है लाइफ के अंदर। तो जैसे मैं बताया था, अलग अलग फील्ड्स वगैरह, अच्छी बॉडी वगैरह होती है, हाइट वगैरह होती है, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, कोई जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड, या खुद का जिम खोल लेता है मतलब, और ट्रेनर वगैरह रख लेता है मतलब। तो हर कोई अपना अपना जो उसके लाइफ का मतलब जो भी बनना चाहता है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं लाइफ के अंदर बनने के। बट वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे साकार होगा, समय के महत्व को समझते हुए, और अभी मैं 4-5 आपको सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करते हुए आप जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में बन सकते हो। लेकिन आपको पहले समय के महत्व को समझना पड़ेगा, और समय की इंपॉर्टेंसी को अपने लाइफ में समझना पड़ेगा, तभी आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ में बन सकते हो। तो अब मैं आपको शेयर करूंगा वो 4-5 पॉइंट्स, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आप बनना चाहते हो वो बनोगे भी, और आपको उसमें रिजल्ट भी मिलेगा, और आपको काफी खुशी भी मिलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मान लो जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम डिसाइड किया, या अपने लाइफ का गोल सेट किया, या लक्ष्य या टारगेट जो भी आप बनना चाहते हो वो आपने सेट कर लिया है, अब बात आती है कि उसको हम अचीव कैसे करें, आप उसको अचीव कैसे करें, उसको प्राप्त कैसे करें, समय के महत्व को समझते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए, और समय को बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, समय का पॉजिटिव वे में यूज करते हुए आप कैसे अपने लाइफ का जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करें। तो उसके जो जो 5 पॉइंट्स हैं सक्सेस वाले, या रूल्स वाले, या टिप्स मैं कहूंगा जो भी आप मान लो, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए पहला जो है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्डवर्क आप नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवर्क तो आपको किसी भी चीज को करने के लिए करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई डांस सीखता है, तो डांस अलग अलग मूव्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और जो डांस होता है वो नंबर्स पे चलता है, 1 2 3 4 4 3 2, या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, तो स्टेप्स बनते हैं वो नंबर्स पे बनते हैं मतलब। और डांस सीखने, जब डांस के कोई भी स्टेप सीखने से पहले आपको पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, क्योंकि मैंने भी 1-1.5 साल पहले मतलब डांस सीखा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा पता, इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इस तरीके से सिंगिंग जो होता है, मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो सिंगिंग भी सीखते हैं, तो वो कई सारी चीजें होती है। सिंगिंग सीखने से गाना गाना नहीं होता, उसमें आपको अपने पहले गले को सेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको किसी गुरु को रखना पड़ता है लाइफ के अंदर। जैसे में सरगम होते हैं, रागे होती हैं, आकार होता है, अलंकार होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, और उन चीजों को आप सीखोगे, उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, और मैंने बताया हार्डवर्क करोगे। तो पहला जो था वो हार्डवर्क था, आपको इस चीज के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करोगे तभी आप उसमें जान पाओगे, और उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला जो रूल है, टिप्स है, वो है हार्डवर्क है। दूसरा जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको जैसे मिलता है, जो भी आपको टास्क मिलता है, या प्रोजेक्ट मिलता है, या असाइनमेंट मिलता है, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करना चाहता हो, या उसके लाइफ का कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, आपको हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी अपने आपने लाइफ में टारगेट रख रखा है, गोल रखा है, या लक्ष्य सेट कर रखा है। तो ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिस। तीसरा जो है वो आपका फोकस है, यानी जो आप जो भी आपका टारगेट है उसको आप वो करते हो पूरा अपना फोकस, यानी जो आपका ध्यान है मतलब, उसको पूरा उस पर रखते हुए आपको उस काम को करना पड़ेगा, जो भी आप अपनी लाइफ में टारगेट रखते हैं, या गोल या लक्ष्य रखते हैं, तो आपको अपना 100% फोकस इसी पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप यहाँ पे अभी आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो साथ में आपने फोन रखते हुए आपने अपने फ्रेंड के साथ मैसेज भी कर रहे हो, या चैटिंग भी कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा मतलब, बदल जाएगा और ध्यान नहीं रहेगा। तो आप जब उस चीज की तैयारी करो, तो आपको फोकस 100% जो भी आप करना चाहते हो उस पर रखना पड़ेगा। जो
फोर्थ चीज है वो है आपका एफर्ट, यानी जो आपकी कोशिश है, मतलब जो भी आप अपना कर रहे हो, तो आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो या जो भी आपने अपने लाइफ का टारगेट रखा हुआ है अचीव करने का, तो एफर्ट आपको पूरा अपना देना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं या एफर्ट दे रहे हैं और फिर थोड़ा मन नहीं लग रहा तो दूसरे स्टे कर ले रहे हैं, मतलब तो आपको फोकस रखते हुए अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, 100% एफर्ट देना पड़ेगा जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। और जो लास्ट है फिफ्थ चीज, वो है पेशेंस यानी धैर्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई भी लाइफ में हम बनना चाहते हैं या जो हमारे लाइफ का ड्रीम होता है या टारगेट होता है, वो कोई 1-2 महीने या 1-2 साल या 3 साल में वो चीज अचीव नहीं होने वाली होती है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मतलब, और धैर्य रखोगे तभी आप किसी भी वर्क को कंटिन्यू वे में लगातार करते जाओगे। तो आपको धैर्य रखते हुए जो भी आप करना चाह रहे हो उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब। तो जैसे मैंने आपको 5 चीजें जो बताया, पहला हार्डवर्क, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा फोकस, चौथा एफर्ट और फिफ्थ हो गया हमारा पेशेंस। ये जब 4-5 आप चीज अब आप फॉलो करोगे और टाइम का आप महत्व को समझते हुए इन 4-5 चीजों को फॉलो करोगे और अपना पूरा हार्डवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और फोकस करोगे, पेशेंस रखोगे, तो आप देखोगे कि जो भी आपके अपने लाइफ का टारगेट है या जो भी अपने आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसमें आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है और आप उस चीज को अचीव करने की राह पर चल चुके हो, मतलब एक ना एक दिन आपको फिर वो आपका जो रास्ता है, आप उस रास्ते की जो आपकी मंजिल है वहां तक आप जरूर पहुंचोगे, और जो आपका आपने गोल सेट कर रखा है अपने लाइफ में बनने का, वो भी आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? समय के महत्व को पहचानते हुए, समय जो टाइम है उसकी इंपॉर्टेंसी है उसको समझते हुए, और जो भी आपका लाइफ का लक्ष्य है उसमें 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग को हैप्पी रखना है और उन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे कि आप जब टाइम का सदुपयोग करते हो, टाइम के महत्व को समझते हो, उसकी इंपॉर्टेंसी को समझते हो, और जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और पेशेंस रख रहे हो, तो धीरे धीरे आपको उस चीज में रिजल्ट देखने को मिलेगा, और रिजल्ट के साथ साथ आपको आगे जाकर मतलब उस चीज को भी आप अचीव कर लोगे जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है, ड्रीम है, टारगेट है या लक्ष्य है। तो आपको जीवन में हमेशा मतलब समय के महत्व को समझना है, उसकी इंपोर्टेंसी को समझना है, और हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए जो भी अपने लाइफ बनना चाहते हो उसको करने की कोशिश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि समय के महत्व को पहचानो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ रितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और आज का जो हमारा जो टाइटल है, आज जो इस वीडियो का टाइटल वो है कि हमें 24 घंटे फोकस हमें अपने लाइफ के गोल पर करना चाहिए, मतलब 24 घंटे फोकस जो हमारे जीवन का गोल है, हमारा टारगेट है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। 24 घंटे फोकस हमारे जीवन के लक्ष्य पर, गोल पर, टारगेट पर, जो भी हम बनना चाहते हैं। तो ये हमारा आज का मेन, हमारा आज का जो इस वीडियो आज की इस वीडियो का मेन थीम रहेगा, मतलब। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो।
दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है और हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर मतलब सीरियस है, जो भी वो लाइफ में बनना चाहता है। और इस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग जो स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को इजिली जो भी उसके मतलब जो भी वो अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहता है, उसके रिसोर्सेज संसाधन जो होते हैं उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी बंगला और बैंक बैलेंस सभी कुछ होता है। लेकिन उसी दूसरे तरफ मीडियम क्लास से जो बंदे बिलोंग करते हैं उनके पास भी सारी सुख सुविधाएं होती है, मतलब घर घर होता है, गाड़ी भी होती है, मतलब वो लेकिन उनके पास हर चीज़ एक लिमिटेड में होती है, मतलब कि वो उतने ज़्यादा रिच तो नहीं होते लेकिन उनके फिर भी सारे संसाधन होते हैं। और वो तीसरी तरफ होते हैं वो होते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले, ऐसे वो लोग होते हैं जो आपको आजकल जैसे सिटीज के अंदर शहरों के अंदर दूसरे गांव से आकर जैसे दिल्ली के अंदर मतलब जैसे गांव से आकर जो जैसे यूपी बिहार या उड़ीसा या झारखंड जो वैसे राज्य हैं मतलब वहाँ से आकर वहाँ के गाँव से आकर यहाँ पर रहते हैं और अपने फैमिली को संभालने की कोशिश करते हैं और उनके नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार की तलाश में यहाँ पर आते हैं। तो कहने और फिर यहीं पर आकर वो बच जाते हैं और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब हमारे आसपास इस तरीके के अलग अलग स्टेटस वाले लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई व्यक्ति पैदा होता है मतलब, और पैदा होने के बाद वो चाहे किसी भी फैमिली से मतलब चाहे वो रिच हो मीडियम हो या नॉर्मल फैमिली हो मतलब किसी फैमिली में पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद मतलब जो उसका स्टार्टिंग का मतलब पहले 3 साल होते हैं, मतलब पैदा होते ही उसके बाद 3 साल होता है, मतलब उन 3 साल के अंदर वो पहले क्या करता है, वो खाना पीना सीखता है, वो चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, मतलब तो पहले 1 से 3 साल तक वो यही चीज़ें उन चीज़ों को करना सीखता है। लेकिन जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करता है और 14 साल में प्रवेश करता है मतलब, तो 14 साल में प्रवेश करते ही उस बच्चे को क्योंकि बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है, चीज़ों को मतलब और खाने पीने लगता है, उसके दांत वगैरह निकल जाते हैं, तो मतलब तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। और जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होता है और 5वीं तक होता है, पहली से प्राइमरी तक, फिर होता है 6ठी से लेकर 12th तक, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6ठी से लेकर 12वीं तक, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड ऐसे करते करते आगे की क्लासें हमारी होती हैं। तो उस बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है मतलब, तो जब बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है तो हर साल वो हर एक क्लास को अपने मेहनत लगन और फोकस करके मतलब हर एक क्लास को पास करता हुआ रहता है और आगे बढ़ता हुआ रहता है। लेकिन जैसा ये कहा जाता है कि जो कोई भी बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है तो उसका स्टार्टिंग का जो एज होता है तो 4 साल से लेकर, जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है 4 साल से लेकर जो उसकी 13 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब खास तौर पे मतलब पढ़ाई तो वो करता है ये मतलब, लेकिन ये जो टाइम होता है उसके लाइफ का चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का समय होता है, तो पढ़ाई तो वो करता है लेकिन ज़्यादातर उसका जो मतलब जो उसका मन होता है खेलने कूदने में, जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं चाहे उसकी क्लास के अंदर हो चाहे उसके घर में हो गली में हो स्कूल में हो, तो जहाँ भी उसके वो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके संग वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, उनके संग खेलना चाहता है, जो उसके बचपन के गेम्स वगैरह होते हैं मतलब, और खेलते वक्त कई बार उसको चोट भी लगता है, धूल मिट्टी में कपड़े भी गंदे होते हैं, पर उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है, 14th ईयर में मतलब 14th ईयर में, तो प्रवेश करते ही वो देखता है कि धीरे धीरे वो बाहर के चीज़ों को समझना शुरू कर देता है मतलब, वो देखता है कि मतलब मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे मतलब अपने आप को नीट एंड क्लियर रखना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, और मैं कपड़े गंदे करूँगा तो टीचर मारेगा, मम्मी भी डांटेगी, क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम वगैरह होती है मतलब, ज़्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं, तो वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू करता है। वो ये भी देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब उसके दादाजी हों नाना जी हों, उन्होंने भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आगे की पूरे लाइफ जी और अभी भी जी रहे हैं, और हमारे जो घर था अपने घर की नीड्स को पूरा किया उस तरीके से। उनके मेरे फादर भी वो भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आज वो किसी ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं ना किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। तो वो भी ये भी देखता है कि आगे आकर मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा,
तो अब हम बात करते हैं कि जब आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फील्ड, किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, सॉन्ग्स राइटर, सिंगर, डांसर, और अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप हाइट वगैरह अच्छी है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। कई लोग जिम ट्रेनर, बॉडी बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारी चीज़ें मतलब आजकल हमारे पास अवेलेबल है किसी भी अलग अलग फील्ड के लिए। तो हम जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, मतलब जो हमारे लाइफ का हमें किस मतलब हमें कौन किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें मतलब फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, हमें सिंगिंग का शौक है, हमें डांस का शौक है, या हमें मतलब किसी सब्जेक्ट को समझ के उसको लेक्चर देने का मतलब उसको समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे आजकल बहुत सारे कोचिंग वाले भी करते हैं। तो पहले हमें उन चीज़ों को समझना होगा, उन चीज़ों को समझने के बाद जो भी हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है हमारे लाइफ का, उसके बाद हमें उस चीज़ पर पूरी पूरी फोकस करने चाहिए। मतलब जो हर व्यक्ति को उसके जीवन में 24 घंटे मिले हुए हैं, मतलब है ना, तो उस 24 घंटे के अंदर अगर वो स्टूडेंट है तो 7-8 घंटे की नींद भी लेता है, 8-9 घंटे स्कूल में भी रहता है, बाकी किसी 7-8 घंटे होते हैं उसमें वो होमवर्क भी करता है, मतलब होमवर्क करता है, खेलता कूदता भी है, और दूसरी चीज़ खाता पीता है, और अपने आप को भी टाइम देता है। तो कहने का मतलब जब आप इस तरीके से आप आगे की जब क्लास में पहुंच जाते हैं, बड़ी क्लास में, और जब आपने आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये मुझे लाइफ में बनना है, ये मेरे को अपने लाइफ के अंदर करना है, तो उस टाइम आप समझ जाते हैं मतलब कि मुझे लाइफ में मेरा ये टारगेट है, या मैं अपने इस ड्रीम को अचीव करना चाहता हूँ। जो आपको जब आपको अपनी लाइफ का गोल पता चल जाता है मतलब, तो उस टाइम से आपको अपने जो 24 घंटे होते हैं उसको एक फोकस दिमाग पर रखना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में जो मैं बनना चाहता हूँ उस पर मुझे मतलब उस पर मतलब उसको मैं अचीव करना है किसी भी तरीके से, और लाइफ और 24 घंटे उसी के बारे में सोचना। अगर सो जाते हो तो 8-9 घंटे के बाद मतलब, तो जब अपने ड्रीम के प्रति ज़्यादा वो रहोगे मतलब एक फोकस्ड रहोगे, तो आपको आपके सपने में भी एक चीज़ दिखाई देगा कि आप उसको कैसे अचीव कर रहे हो, मतलब उस तरीके आपको सपने भी आएंगे, और आपको धीरे धीरे राह भी दिखने लगेंगे, आपको पास भी दिखने लगेगा, और आप उसके ऊपर चलने भी लगोगे। क्योंकि जब आप ये क्लियर कर लेते हो कि मुझे अपने लाइफ में क्या बनना है, या मैं किसी अपने लाइफ के टारगेट को या गोल को अचीव करना चाहता हूँ, तब आपको मतलब इजी हो जाता है अपने उन जो आपको क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है जो भी अपना अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, और जो भी और आपको उन जो भी आपके लाइफ का गोल है उनको आप 4-5 रूल्स को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको फोकस 24 घंटे ही करने पड़ेंगे, सुबह उठते आपको दिमाग में रखना है कि मैं ऐसे कौन सी चीज़ करूँ कि जो मेरे ड्रीम है या मेरे लाइफ का गोल है उसके मैं और करीब आ जाऊँ, या उसमें मैं और बेटर हो जाऊँ मतलब। तो 4-5 चीज़ें मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगी जिसको अगर आप फोकस करोगे और उसको फॉलो करोगे तो आप इजिली अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हो और फोकस करते हुए। तो पहला हमारा जो होता है कि जो भी आपके लाइफ का गोल है मतलब, या जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, आपको उस चीज़ को मतलब जो भी आपको उसके असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या जो भी आपको उसमें वर्क दिया जाता है मतलब, अगर आप उसमें घुस गए हो पहचानने के बाद, तो आपको उस चीज़ को करने के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। जो पहला सीक्रेट है आपको उसके ऊपर बहुत ही फोकस करना पड़ेगा, फोकस करोगे तो आप उसमें बेटर होते जाओगे। दूसरा जो है वो है आपको उसके ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर जो भी आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो। जो तीसरी है वो है आपको उस पर एफर्ट देना पड़ेगा, अपनी पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, 110% आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है वो है आपको उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे और आप जान पाओगे कि कितने परसेंट बेटर हो या नहीं हो। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। और जो पांचवी चीज़ है वो ये है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। आपको जब भी आप अपने लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो वो कोई एक महीने में एक साल में वो हर चीज़ हासिल नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म में हासिल होती है। जैसे अगर हम सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको पहले 6-7 साल उसके ऊपर रियाज करना पड़ेगा, अलंकार, आकार, सरगम, रागे वगैरह को जानना पड़ेगा, ये चीज़ें एक महीने में नहीं होती हैं मतलब। या डांस की भी बात करें तो उसमें कई सारे मतलब अलग अलग उसमें स्टाइल्स होते हैं, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, हिप हॉप, लॉलीपॉपिंग, या स्लो मोशन आर्ट, और मतलब हर कुछ टाइम में एक नया उसमें पैटर्न आ जाता है मतलब, डांस का स्टाइल आ जाता है। इस तरीके से फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी के अंदर भी कैमरे बहुत सारी सेटिंग होती है मतलब, एपर्चर हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया, इंडोर आउटडोर
सेटिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी होती हैं। तो मतलब जो भी आप अपनी लाइफ बनना चाहते हो उसको आपको अचीव करने में टाइम लगेगा। आप सोचो मैं 2 महीने मेहनत कर लूँ और उस चीज़ को अचीव कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको बताया कि जो 5 चीज़ें वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपको मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में, फोकस करने में, एफर्ट देने में और प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो उस तरीके से आप 24 घंटे मतलब आप मतलब स्कूल में भी रहोगे तो आपको अपना लाइफ का, या कॉलेज में भी हो तो आपको अपने लाइफ के बारे में हमेशा एक तत्पर रहोगे, आप फोकस में रहोगे। जब आप इन चीज़ों को पहचान पाओगे और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आप जब इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ का जो आपका गोल है उसको आप धीरे धीरे अचीव कर लोगे और आपको खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील आपको फील करने का दिखेगा, महसूस होगा आपको। तो ये थे मेरे दोस्तों आज का एक नया वीडियो कि आपको जो अपने आप अपने लाइफ के लक्ष्य को पहचान जाते हैं मुझे ये बनना है, तो आपको उसके ऊपर 24 घंटे फोकस होकर आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा जो इस वीडियो का टाइटल है, जो थीम है, वो ये है कि माता पिता की हमेशा कहना मानो। मतलब जो भी वो आपको अपने जो आप लाइफ में जो आप मतलब आपको जो भी वो कहने को बोलते हैं, मतलब किसी प्रकार का काम हो, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो या बाहर के काम, घर के बाहर से काम से रिलेटेड हो, मतलब वो ए टू जेड जो भी आपको काम बोलते हैं मतलब उसको आपको करना चाहिए, उनके कहना मानना चाहिए। तो ये हमारा आज का एक हमारी आज की इस वीडियो का मेन टाइटल है कि माता पिता के हमेशा कहना मानो, क्योंकि वो कभी भी आपको कुछ समझाएंगे, बताएंगे, करने को बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस की मैं बता चुका हूँ कि लाइफ में 3 लोग ऐसे होते हैं मतलब जो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं, जैसे हमारे बारे में अच्छी सोचते हैं, हमें अच्छे रास्ता दिखाते हैं। वो होते हैं पहला माता, दूसरा पिता और तीसरे गुरु। तो 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें लाइफ में अच्छे रास्ता दिखाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, और कुछ भी हम गलत करते हैं तो हमें सतर्क करते हैं, साधन करते हैं, और उसको सही कैसे करना है, मतलब उससे हटना कैसे है और गलत चीज़ों को नहीं करना है और क्या क्या सही हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हमें बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। मतलब तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब तो जैसे हमारे जो हमारे मतलब जैसे हमारे पिता होते हैं, हमारे फादर होते हैं, तो वो देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं पे जो भी उनकी करेंट उनकी क्वालिफिकेशन या जो भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है या जो भी उनकी मतलब जो भी उनकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पर, और जॉब करने के साथ साथ जो भी उनकी इनकम होती है उसके हिसाब से घर की नीड्स को पूरी करना और आपको अच्छे स्कूल में डालना, आपकी आपके खान पान का ध्यान रखना। जैसे कि कहा जाता है कि जो छोटे बच्चा होता है मतलब उसको डेली 1 गिलास दूध पीना चाहिए, मतलब तो आपको जो आपके डाइट से रिलेटेड हो मतलब ताकि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सको, आपको किताबें दिलाना, अच्छे स्कूल में डालना, ट्यूशन लगवाना, मतलब वो सारी जिम्मेदारियाँ किसके ऊपर होती हैं, मतलब वो फादर के ऊपर ही होती हैं कि आपको वो अच्छी स्टडी दिला सके कहने का मतलब। और दूसरी तरफ जो आपकी मदर होती है, माता होती है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक घर में अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता ही होगा कि सुबह के टाइम उठते ही ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसके साथ साथ मतलब जैसे कि अगर मतलब जैसे आपके फादर हैं तो वो उनके हस्बैंड हुए तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, लंच पैक करना, मतलब फिर सुबह उठते ही मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, मतलब दादा दादी, उनके लिए नाश्ता तैयार करना। उसके बाद फिर जैसे ही सब लोग चले जाते हैं अपने जगह पर जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोना, फिर दोपहर के खाने में लग जाना, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके फिर रात के खाने में लग जाना। मतलब जो लाइफ जो जो मदर होती है उनके लाइफ का जो चक्कर होता है मतलब, तो वो एक सर्कल में चलता रहता है। और खासतौर पर जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे आजकल के टाइम में तो
जैसे जो नॉर्मल क्लास की सिंपल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं जैसे कि दिल्ली जैसी सिटी में, तो जो पेरेंट्स होते हैं मतलब, तो घर में क्या होता है कि दादा दादी नाना नानी है मतलब वो तो रहते हैं मतलब, और जो मतलब मदर फादर दोनों ही जॉब करते हैं क्योंकि दोनों कम पढ़े लिखे होते हैं, तो मदर हो सकता है कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रही हो क्योंकि एक की इनकम से घर की सारी नीड्स पूरी नहीं हो सकते, और खासतौर पर अगर आपको वो देखते हैं कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करा सकते, एक की इनकम काफ़ी अधिक नहीं है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन उतनी, आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे अंदर ज़्यादा नहीं है तो इनकम भी जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं होगी मतलब, तो वो लोग जॉब वगैरह करके वो यही कोशिश करते हैं कि हम घर की नीड्स को सारी सारी पूरी कर सकें, वो जो आप जो अपने उनकी खुशियाँ होती हैं मतलब उन्हें छोटे छोटे जैसे वो कपड़े भी नहीं खरीदते हैं त्योहारों पर मतलब, वो सोचते हैं कि क्योंकि वो देखते हैं कि आजकल के टाइम में जो एजुकेशन ही काफ़ी महंगी हो चुकी है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में तो चलो पढ़ाई होती ही है लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई होती है क्योंकि देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो इंग्लिश बोलने लगते हैं, वहाँ पर तो कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पर अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे टीचर आते हैं वगैरह वगैरह, तो सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं मतलब सॉरी हमारे जो बच्चे हैं मतलब वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में अच्छे बन सकते हैं, तो वो अपने जो खुशियाँ होती हैं या जो उनकी छोटे छोटे जिसमें वो देखते हैं कपड़े खरीदने हो गए, त्योहारों पे कपड़े नहीं खरीदते लेकिन आपको जरूर कपड़े दिलाते हैं मतलब, ताकि आप कपड़े पहनकर खुश हो सको मतलब, वो साइकिल होता है या आपको कोई खिलौना वगैरह चाहिए होता है, आपकी किताबें होती हैं, आपकी कॉपियाँ होती हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है, या आपको अपने बैग होता है मतलब, या कहीं स्कूल में प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि पिकनिक वगैरह पर जाना होता है, तो आपको हर चीज़ के लिए फंड इकट्ठा करके आपकी उस कोशिश मतलब उस खुशियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियों का वो उतना ख्याल नहीं रखते हैं कहने मतलब, तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना ज़्यादा इतने आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं कहना ही मतलब, तो आपका ही फर्ज बनता है कि जो उनके प्रति वो जो भी मतलब जो भी, अगर आप सिंसियर हो जाते हैं जब 13-14 साल के हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप अगर आप 13-14 साल या 15 साल के हो रखे हो मतलब, तो आपके पेरेंट्स भी लगभग लगभग 40 साल के आसपास होंगे ही मतलब, तो आप कहने मतलब वो जो भी आपको काम करने को बोलते हैं मतलब, चाहे वो घर से रिलेटेड हो मतलब, जैसे घर का रिलेटेड मतलब आप बड़े हो रहते हैं मतलब, तो जैसे कमीज की दुकान से कुछ लाना है या परचून की दुकान से कुछ लाना है या बाहर से कोई चीज लेके आना है सब्जियां वगैरह है ना, या घर में कोई काम हो गया मतलब जैसे पानी वगैरह भरना है मतलब, या कुछ भी काम होता है दादा जी को दवाइयाँ देनी है मतलब, तो जो भी वो काम कहने को बोलते हैं मतलब, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने काम पापा जाते हैं जॉब पर, तो रात को उनको आना है मतलब, कई सारे जो डिस्प्लेन बताया कि कई घरों में तो लेडीज भी यानी मदर होती है वो भी काम पर जाती हैं मतलब, और कई जगह कई लेडीज हाउस वाइफ भी होती है जो घर में ही सारे काम करती हैं, और घर में भी जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऑलरेडी काम होते हैं करने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो आपको देखना कि आपके पेरेंट्स काम करके आते हैं या घर में काम करते हैं वो कितने ऑलरेडी थके हुए होते हैं, तो घर में जो दूसरे काम होते हैं जिसमें आप जैसे अगर आप लड़की हो आप 13-14 साल के हो गए मतलब, तो जैसे कि बर्तन वगैरह हो गया या कपड़े वगैरह हो गए या क्लीनिंग वगैरह हो गया, तो ये सब छोटे छोटे काम में आपको अपनी मदर का हाथ बटाना चाहिए, और देखना चाहिए कि आपकी मदर जब वो मतलब आपको खुद ही दिख जाएगा कि वो जब काम करते करते थक जाते हैं तो कुछ टाइम वो बेड पर बैठ जाएंगी या किसी चेयर पर बैठ जाएंगी या सीढ़ी पर बैठ जाएंगी मतलब, तो आपको उनके मतलब पैर दबाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए मतलब, और कोशिश करना चाहिए कि वो भी 1-2 घंटे का रेस्ट ले सके, और आप धीरे धीरे उनके काम आप उनके कामों में आपको अपने हाथ बटाने की कोशिश करनी चाहिए मतलब, क्योंकि हर व्यक्ति जैसे हम तो अभी क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि 40 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं खासतौर पे 30 साल के बाद जो बॉडी होती है उसमें आयरन की कमी होने लगती है मतलब, क्योंकि 30 साल के बाद जो होती है आपकी यंग एज खत्म हो जाती है मतलब, ऐसा तो 35 साल के बाद 35 साल के बाद जो होती है आपकी मिडिल एज स्टार्ट हो जाती है, और उसमें उसके बाद क्या होता है कि आयरन की कमी काफ़ी तेजी से होने लगती है, और जब आयरन की कमी होगी तो शरीर काफ़ी तेजी से थकने लगता है कहने का मतलब, तो जब आपकी मदर 40 साल की है मतलब और फिर वो दिन भर इतना सारा काम करती है मतलब, तो आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो भी रेस्ट लें, वो भी मतलब उनको जो भी उनका काम होता है उसमें आप उनकी हेल्प कर सके, और पेरेंट्स का जैसे बताया कि जैसे आपका वो ध्यान मतलब पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं कि आपने टाइम पर खाना खाया है कि नहीं, आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, आपने अपना पढ़ाई होमवर्क किया कि नहीं मतलब, वो आपकी हर छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं, स्कूल की तरफ से जो पिकनिक जाता है उसके लिए वो
वो आपको पैसे भी देते हैं और पॉकेट मनी भी देते हैं कहने का मतलब। तो ऐसे ही जब वो भी मतलब उनका भी जो भी काम होता है मतलब, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आपको, अभी आप छोटे हो या आप स्टडी कर रहे हो, तो आप पेरेंट्स अपने आपको मतलब सभी प्रकार की खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब आप 25-30 साल के हो गए और आप पेरेंट्स उस टाइम ओल्ड हो जाएंगे मतलब, उस टाइम आपका ड्यूटी होगा, आपका कर्तव्य होगा कि आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आप संभालें, उनकी केयर करें और उनकी नीड्स हैं उनकी नीड्स को आप पूरी करें दोस्तों को। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, तो उन्होंने अपने छोटी छोटी खुशियों को दबाकर उसको अपने उसको हटाकर मतलब उस पर ध्यान ना देते हुए हमारी नीड्स को पूरा किया। हमें किताबें दिलाया, हमें अच्छी स्टडी दिलाया, हमारे खान पान का ध्यान रखा, हमें कपड़े दिलाया, हमें पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दिए मतलब। तो इस तरीके से अब हम तो हमें उन्होंने हमसे क्या उम्मीद की, यही उम्मीद की कि हम आगे जाकर एक अच्छे अपने लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति बन सके और अच्छी एक लाइफ जी सके मतलब। जो परेशानियाँ उन्होंने अपने लाइफ में जी, हम उन परेशानियों को लाइफ में फेस ना करें। तो आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है और जो भी वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं आपको उस उम्मीद पे खरा उतरना है। और आगे अगर आप उनकी उनको सभी प्रकार का मतलब उनका आप अच्छे से केयर कर सकें और जो भी फिर जब वो बूढ़े होंगे या जब उनकी आप नीड्स का ख्याल रख सकें, उनका केयर कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। और चाहे आप छोटे हों या आगे जाकर आपके पेरेंट्स बूढ़े क्यों ना हो जाए, वो जो भी काम बोलते हैं या जो भी करने के बोलते हैं आपको उनका हमेशा कहना मानना ही चाहिए। और एक अच्छी आदत आपको डालनी चाहिए सुबह उठकर पेरेंट्स के पैरों को छूकर उनसे ब्लेसिंग लेने की, और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी ब्लेसिंग लेने की। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको अपने पेरेंट्स का हमेशा कहना मानना चाहिए, और मैंने कई सारी चीज़ें भी आपको बताई। कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन के अंदर अच्छा सोचो अच्छा बनो। तो हमारा जो आज का टाइटल है इस वीडियो का वो है जीवन में अच्छा सोचो और अच्छा बनो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है मतलब, वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिंगर है, कोई कोई सॉन्ग राइटर है मतलब। और सबके अलग अलग ड्रीम्स है, अलग अलग पैशन है और अलग अलग लाइफ के वर्क है और अलग अलग लाइफ के मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं कहने का मतलब। और इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले हमें लोग भी देखते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जहाँ रिच फैमिली के पास सारे सुख सुविधाएं होती हैं, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है, गाड़ियाँ होती है, एक से बढ़कर एक, वो जो चाहता है वो चीज़ इजीली खरीद सकता है मतलब। अच्छे अच्छे वहाँ उनके जो बच्चे होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग, अच्छे अच्छे स्कूल, बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास में देखते हैं तो उनके पास भी घर होता है मतलब, बड़ा तो नहीं लेकिन उनका अपना घर होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन तीसरी जो वो भी अपने अच्छे से लाइफ जी रहे होते हैं। और लेकिन तीसरी पे आते हैं सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ये वो लोग होते हैं जो रोजगार की तलाश में मतलब, आपने देखा ही होगा मतलब कि जो यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा से मतलब सिटीज वगैरह में रहते हैं, दिल्ली जैसी सिटियों में आकर रहते हैं और रोजगार की तलाश में यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर जॉब करते हुए जो उनकी उनके घर की नीड्स होते हैं। कई लोग फैमिली के साथ रहते हैं, कई लोग बैचलर भी रहते हैं क्योंकि महंगी सिटी में रहकर मतलब घर की नीड्स को पूरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है मतलब इनकम के हिसाब से। तो वो काम तो यहाँ करते लेकिन पैसे अपने घर पर ही भेज दिया करते हैं मतलब। तो और फिर वो जो जॉब करने भी जाते हैं, कई लोग के पास गाड़ियाँ नहीं होती है मतलब, सुबह बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के जहाँ पर वो जॉब पर जाते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर जाते हैं। कई लोग के पास साइकिल होती है मतलब, तो साइकिल पर बैठ कर मतलब अपने जॉब पर जहाँ पर भी वो काम करते हैं उस स्थान पर जाते हैं जॉब करने के लिए। और वहीं पर जॉब करते हुए फिर जो उनकी
घर की नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं मतलब, और उनके अपने घर के नीड्स, अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं और उसको पूरा करते हैं। लेकिन हम इस तो वहीं हम यह भी देखते हैं कि कि जो इस वर्ल्ड के अंदर जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है चाहे वो किसी भी चाहे वो किसी भी स्टेटस वाले फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, चाहे वो सिंपल फैमिली हो, या मिडिल क्लास फैमिली हो, जब वो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो उसकी जो स्टेज होती है 1 से 3 साल तक की जो स्टेज होती है, इस एज के टाइम 3 साल के टाइम जो बीच का होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है वो खेलना उसको क्या बोलते हैं, वो खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है और क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है कहने का उसके बाद जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि 5वीं से सॉरी पहली से स्टार्ट होता है और 5वीं तक होता है, देन 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, और दूसरा तरह का होता है और 6ठी से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी होते हैं। तो सेकेंड टाइप का स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए आगे क्लासे होती है। तो कहने का जब वो बच्चा 4थे साल में फोर्थ एज में फोर्थ चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद हर साल वो बच्चा हर क्लास को अपने मेहनत लगे परिश्रम हार्ड हार्ड वर्क से स्टडी करते हुए पास करते हुए आगे की क्लास को पूरा पास करता हुआ आगे बढ़ने लगता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो किसी भी बच्चे के लिए जो 4 साल से लेकर तो 13 साल तक की एज होती है वो चाइल्ड हुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है कहने का इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है ये कहने का खास तौर, लेकिन ज़्यादातर जो उसका जो मन होता है ना पढ़ाई लिखाई तो करता है लेकिन ज़्यादातर उसका मन होता है खेलने कूदने पर, जो उसके हम उनके बच्चे होते हैं चाहे उसे गली में हो, क्लास में हो, स्कूल में हो, या घर के अंदर फैमिली से भी कभी कभी मामा के, चाचा के, ताऊ के, या बुआ के, फूफा के, जो बच्चे होते हैं उनके हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने कूदने में उसको ज़्यादा मजा आता है तो खेलने कूदने में कई बार उसको चोट भी लगती है, कई बार गिरता भी है, थोड़ी देर के रोता भी, लेकिन फिर से वापस वो पुराने वाली कंडीशन में आ जाता है और फिर से खेलने कूदना स्टार्ट कर देता है कहने का तो इस तरीके से वो जैसे बताया 4 से 13 साल तक उसका यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14 ईयर में प्रवेश करता है 14वें साल में प्रवेश करता है कहने का तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने, मैडम मैडम मारेगी और जो क्लास टीचर वही मारेगी, और मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, जब कपड़े में धूल मिट्टी लगेगी तो वो भी डांटेंगे कहने का और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है दादाजी या नाना जी, उन्होंने भी आगे आगे किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया और अपने घर की नीड्स को पूरा किया, किसी न किसी जगह पर जॉब करते हुए या कोई बिजनेस करते हुए। उस तरीके से लोग के फादर भी हैं वो भी किसी न किसी फील्ड में करियर बना के आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आगे आकर मुझे भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा और आगे मुझे भी अपने जो अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा जो भी उसको बनना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर, फोटोग्राफर, डांसर, सिंगर, सॉन्ग्स राइटर, अच्छी बॉडी या अच्छे आपके हेल्थ हार्ट वगैरह, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, कई सारे हमारे पास आजकल ऑप्शन अवेलेबल, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे हमारे पास आजकल ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको यही देखना है कि आप जो भी अपने लाइफ का में आपका जो भी आपके लाइफ का गोल है या ड्रीम है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जो भी फील्ड है एक अच्छा फील्ड है लेकिन आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में, आपको किस चीज़ को करने में ज़्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जीवन में आपको अच्छा सोचना है और अच्छा बनना है, क्योंकि जो आप अच्छा सोचोगे अपने लाइफ में बनने के लिए और जो आप वो बनोगे उसी उसी के आधार पर आप अपने आगे अगर आपकी भी मैरिज होगी और आपकी भी फैमिली आगे बढ़ेगी तो आप उसी के आधार पर आपको जॉब मिलेगी या आप उसी के आधार पर बिजनेस भी कर पाओगे, आप अपनी घर की नीड्स को पूरी कर पाओगे, घर को सपोर्ट कर पाओगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाओगे कहने का तो
कहने का मतलब, तो जब आपकी अच्छी इनकम होगी तभी आप आगे आकर अपने घर को अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए फिर करना क्या है कि आपको अच्छे जो फील्ड्स हैं वगैरह, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा अच्छा हो, ऊँचा हो, मतलब उसको आपको डिसाइड करना है, उसके बारे में बनना है और उसी के बारे में आपको सोचना है। तो कहने मतलब आपको अच्छे किसी फील्ड को चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा हो और फिर उसी पर स्टार्ट कर देना है वर्क करना। मतलब तो जैसे कि कोई भी लाइफ का मान लो ड्रीम होता है या गोल होता है वो इजिली अचीव नहीं कर सकते, इसमें आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको अचीव करने के लिए। और चार पांच में आपको टिप्स भी दूंगा जिसको अगर फोकस करके उन चीज़ों को उसके बस पे आप वर्क करना स्टार्ट करोगे मतलब, तो आप इजिली लाइफ में उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो पहला है हार्डवर्क, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो भी आप अच्छा सोचते हुए जो भी आप लाइफ के बारे में डिसाइड कर रहे हैं मुझे यह बनना है, तो उसके लिए आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। आपको सेकेंड फोकस करना पड़ेगा, तीसरा आपको उसके ऊपर पूरा एफर्ट देना पड़ेगा 100%। चौथा आपको उसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेगी, उनको प्रैक्टिस करने के बाद ही आप जान पाओगे कि आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हो या कितने परसेंट आप ओके हो या नहीं हो। क्योंकि कहना जाता है ना कि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मतलब। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हो। पांचवी और लास्ट जो चीज़ है वो है पेशेंस, यानी आपको धैर्य रखना है। क्योंकि धैर्य को भी जैसे ने बताया कि आपने अच्छे से सोचते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में ये मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है या लेक्चरर बनना है या जो भी बनना है, आपने अच्छा डिसाइड किया क्योंकि इस समय अच्छा स्कोप है मतलब। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो मैंने अभी चार पाँच चीज़ें बताई हैं, हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, पेशेंस और प्रैक्टिस, इन चार पाँच चीज़ों को जो आप अपने लाइफ में रखोगे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, उसके ऊपर लागू करोगे मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो धीरे धीरे आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। और जब आप अचीव करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और आपको एक अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव फील होने लगेगा कहने में मतलब। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको अपने जीवन के अंदर अच्छा सोचते हुए अच्छा बनना है, अच्छा सोचो और अच्छा बनो, जीवन के अंदर अच्छा सोचो और अच्छा बनो। तो ये चीज़ को अपने लाइफ में ध्यान रखना है और अपने लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनना है। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिखना होगा, अभी जाए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में और जो हमारा आज का थीम है, जो इस वीडियो का मेन आज का टाइटल होगा वो ये होगा कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो मतलब। तो अपने आप को कभी भी किसी भी लाइफ का जो आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए और सोचो कि मेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो यही हमारा आज का कि आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो कहने मतलब हमारा आज का ये मेन इस वीडियो का टाइटल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग सबके मतलब अपने अलग अलग मतलब अलग अलग जो काम करते हैं, अलग अलग कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मतलब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अपने लाइफ में बिजी अपने अपने काम को लेकर। और जो हमारा वर्ल्ड भी है मतलब जो विश्व है वो भी उसके अंदर भी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है मतलब। तो आप देखते हैं कि जो जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास सारे फैसिलिटीज है, सारे सुख सुविधा है, वो जो भी चाहता है इजिली उसको खरीद सकता है मतलब जो संसाधन होते हैं मतलब गाड़ी बंगला या जो भी चीज़ वो चाहता है। इस तरीके से जो मीडियम क्लास फैमिली होती है उसके पास अपने घर होता है और गाड़ी वगैरह भी होती है मतलब, और वो भी अपना अच्छे से लाइफ जीता है। लेकिन जो नीचे की आते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से, तो ऐसे लोग वो होते हैं जो
डेली जाके जॉब करते हैं मतलब, और उनके पास घर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जैसे दिल्ली जैसे सिटी में, और यूपी से बिहार से झारखंड या उड़ीसा से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, सुबह के टाइम बस पकड़ के ऑटो पकड़ कर या साइकिल पे भी जाते हैं कई लोगों के पास होती है, और वो अपने और जॉब करते हुए अपने घर की जो नीड्स होते हैं फैमिली को संभालते हैं और अपने घर की नीड्स को जरूरतों को पूरी करते हैं हर महीने जॉब करके, तो उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। तो कहने का मतलब इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा मतलब छोटा बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, मतलब तो पैदा होते ही जो उसका एक से मतलब 3 साल तक का जो टाइम होता है, मतलब इस जो ये जो समय होता है, ये जो पीरियड होता है 3 साल का, मतलब इस एज में क्योंकि बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, मतलब तो इस एज में मतलब वो बच्चा होता है खेलना कूदना चलना फिरना और खाना खाने सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह नहीं निकले होते हैं मतलब। तो ये जो 3 साल का जो टाइम होता है, इस 3 साल तक में यही चीज़ें वो करता है, और जैसे वो 14 साल में प्रवेश करता है तो उसे स्टडी करने के लिए मतलब वो स्कूल में डाल दिया जाता है। और स्कूल जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल जो कि 1 से लेकर 5 यानी फर्स्ट से प्राइमरी तक, फिर 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी या 6 से लेकर 12 तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि केजी से नर्सरी से स्टार्ट होता है सॉरी, फिर नर्सरी केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए फिर आगे 12th तक, फिर आगे कॉलेज होती है, फिर कॉलेज के बाद फिर मास्टर डिग्री भी होती है मतलब। तो इस तरीके से आगे की वो मतलब आगे क्लासे होती है जब, तो कहते मतलब उस बच्चे को जब वो 4 साल का होता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद वो बच्चा हर साल मतलब अपने मेहनत लगन से मतलब हर क्लास को पास करता हुआ रहता है और आगे बढ़ता रहता है हर क्लास के अंदर। और लेकिन उसको स्कूल में तो पढ़ता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो होती है किसी व्यक्ति के लिए मतलब बच्चे के लिए वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो इस टाइम में जो बच्चा होता है उसको ज़्यादातर मतलब पढ़ाई तो वो करता ही है, लेकिन ज़्यादातर उसको खेलने कूदने में जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो उसकी क्लास में हो, स्कूल में हो, गली में हो, या उसके घर में क्यों ना हो मतलब फैमिली के अंदर, तो उनके साथ वो खेलने कूदने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसको मज़ा भी आता है मतलब। तो चाहे खेलते कूदते हो उसे कपड़े क्यों ना गंदे हो, धूल मिट्टी क्यों ना लग रही हो, और कभी कभी बार खेलते चोट भी लग जाती है मतलब, लेकिन वो थोड़ी देर तक रोता है या दुखी होता है, उसके बाद फिर से वो पुराने वाले मोड में आकर फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब 13 साल तक के 8 साल के बच्चे को खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही 14वें साल में यानी 14 ईयर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे वो लाइफ बारी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, वरना टीचर मारेगी मम्मी भी मारेगी, क्योंकि अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी। तो वो अच्छा क्या है बुरा क्या है और क्या सही है क्या गलत है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे फेवर में या नहीं है, वो उन चीज़ों को बाहर से मतलब उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है मतलब। तो वो ये भी देखता है कि जो उसके फैमिली में के ग्रैंड पेरेंट्स है, दादाजी थे या नाना जी थे मतलब, उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी फील्ड में करियर बना के फिर कहीं ना कहीं पर जॉब किया या बिजनेस किया और हमारे घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी की। हमारे जो उसके फादर भी हैं मतलब वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मतलब, और घर की नीड्स को जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो उसको भी आगे जाकर मतलब, तो खुद को भी आगे जाकर किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा कहने मतलब। तो वो उसको तो पता ही होता है, फिर वो देखता है कि मैं किस फील्ड में करियर बनाऊँ, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, चाहे वो फोटोग्राफी हो, डांसिंग डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, टीचर प्रोफेसर लेक्चरर और क्या बोलते हैं, तो अगर बॉडी अच्छी हो या हाइट वगैरह अच्छी, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर और बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है हम मतलब जिसको हम अपने आप को बना सकते हैं। तो कई जो वैसे बंदे होते हैं मतलब जो जैसे होता है कि नॉर्मल फैमिली सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब, तो उनको लगता है कि हम ये तो बनना चाहते हैं, जैसे हम डांसर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या कहीं किसी चीज़ का जो थोड़ा बड़ा लगता है उनको वो बनना चाहते हैं, तो लेकिन वो उसको अचीव कैसे करेंगे क्योंकि एक आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, ट्यूशन उसको लगाने पड़ेंगे, या जैसे डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट होते हैं उनके जो पढ़ाई से काफ़ी हाई फाई होती है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तो
आप सभी को बता दो कि मतलब जैसे आजकल आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो वो बन सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, आजकल कई सारी स्कीम्स भी होती हैं स्कॉलरशिप की, आप अगर अच्छे 90% से ऊपर लेके आते तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी कहने का मतलब। तो आप जो भी बनना चाहते हो आप अपने लाइफ में बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपने आपको इस यहाँ पर इस लेवल पर आप अपने आपको कमजोर मत समझो कि मैं वीक हूँ या मैं नॉर्मल फैमिली सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिमाग आपके पास भी वही बॉडी है, मतलब वही आँखें वही कान है, तो आप और सबको बराबर बनाया, 24 घंटे सबको दिया हुआ है भगवान ने। हाँ ये कि कोई रिच फैमिली में पैदा होता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल या नॉर्मल फैमिली में पैदा होता है, लेकिन दिमाग बुद्धि शरीर सबको एक जैसा बनाकर दिया हुआ है, रंग रूप अलग अलग होता है, लेकिन बुद्धि सबको एक ही एक तरह से भगवान ने दिया होता है, आपको उसको यूज करने की जरूरत है मतलब। तो आप जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये चीज़ मुझे बनना है लेकिन वो काफ़ी टफ है, पैसा लगेगा या मैं उसको अचीव कैसे करूँगा मतलब, तो मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं, कई लोग अगर आप अच्छे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, कई लोग ऐसे भी आपकी हेल्प कर देते हैं कि चलो उसको और आगे की तरह मोटिवेट करके आगे इसको लाइफ में बढ़ने दिया जाए मतलब। जैसे क्लास में कई बंदे अगर जो मगर नॉर्मली सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन पढ़ने में टैलेंट होता है, तो कई सारे जो लोग होते हैं जो थोड़े मतलब जो हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे मतलब, और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या गोल है उसको अगर आप 4-5 रूल्स को फॉलो करो तो आप इतनी इसको अचीव भी कर लोगे, और आप उसमें जो भी आप नंबर लाना चाहते हो 80-90% आप लेके आओ तभी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। वो अलग अलग स्कूलों में उनके अलग अलग हिसाब से होती है, या गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होती है, किसी 80-90% भी मिलती है या जो भी होता है, वो आपको आगे बहुत सारे गूगल है यूट्यूब पे आपके बारे में सर्च कर सकते हैं, लोगों से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े लेवल पर होते हैं उनसे आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आपको आपको सबसे बड़े जरूरी आपको उसको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, पहला हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, जो भी आपको अपने लाइफ का गोल है उसके आपको एफर्ट देना पड़ेगा अपना पूरा पूरा, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी आपके लाइफ का गोल है, और पांचवी चीज़ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यानी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो इन 4-5 चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे और अपने आपको ये मत समझोगे कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाह रहे हो वो आप धीरे धीरे प्राप्त भी करोगे, क्योंकि आपको लोग सपोर्ट करने लगेंगे, आपको देखेंगे ये बंदा पढ़ने में टैलेंट है इसको और आगे मतलब आगे बढ़ने में इसकी हेल्प की जाए मतलब, और आप देखोगे धीरे धीरे आप अपने लाइफ का जो आपका लाइफ का गोल है या टारगेट है जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो उसको आप प्राप्त कर लोगे मतलब। लेकिन आपको अपने आपको किसी फील्ड में अपने आपको बनाने से पहले ये नहीं समझना कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना नहीं चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं नॉर्मल सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, एनीबॉडी कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ मतलब, तो आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो कैसे लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर करिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाय नितेश, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने आपको अपने जीवन में जो आपका जो इरादा जो भी आपका इंटेंशन, अपने जीवन में अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो, अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो अपने जीवन के अंदर, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो मतलब। तो ये हमारा आज का मेन टाइटल है कि अपने जीवन में अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो, स्ट्रांग रखो मतलब। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो समय है, इस विश्व के अंदर मतलब बहुत ही भागदौड़ भरा हुआ है, और जो हमारा वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी तेज़ी से मतलब हमारा विश्व बदलता हुआ जा रहा है मतलब। प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक समय में हर चीज़ अपडेटेड होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है और आधुनिक होती जा रही है कहने का मतलब। और
हर व्यक्ति अपने अपने आप में अपने काम को लेकर काफ़ी कभी काफ़ी स्ट्रेस है, या कोई किसी को अपने मतलब किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को अपने अपने कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। और इस वर्ल्ड के अंदर आप सब ने देखा होगा कि मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग जैसे स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ हम रिच फैमिलीज को देखते हैं, मतलब जो काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे कॉलोनियों में रहते हैं कहने मतलब, और वो जो चाहते हैं वो उस चीज़ को इजली खरीद सकते हैं कहने मतलब, और उनकी राय बहुत अच्छी होती है कहने का मतलब, और बिजनेस करते हैं खासतौर पर ज़्यादातर, किसी के अंडर में काम नहीं करते मतलब, वो मालिक होते हैं कहने मतलब। दूसरी तरह हम देखते हैं कि मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले, उनके पास अपने घर होते हैं, अपने बड़े नहीं लेकिन होते हैं अपने जरूर, गाड़ियाँ वगैरह भी होते हैं, वो भी एजुकेट मतलब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। अब हम तीसरे लोग की बात करते हैं, वो होते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि आप सब देख सकते हो कि आजकल के मतलब जैसे जो गाँव से मतलब जैसे यूपी बिहार झारखंड या उड़ीसा से जो गाँव वाले लोग होते हैं, वो शहरों में जैसे दिल्ली में या दूसरी बड़ी सिटीज में जाके रोजगार की तलाश में रहने लगते हैं, और वहीं से फिर जॉब करते हैं, अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं, संभालते हैं, और कई लोग बैचलर के रूम में भी रहते हैं मतलब, और घर वापस अपने घरों में पैसे भेजते हैं शहर में रहते हुए मतलब, और उनके पास कईयों के पास गाड़ियाँ नहीं होती तो वो ऑटो पकड़ के बस पकड़ के जाते हैं, कई साइकिल होती है तो साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ पर भी वो काम करते हैं कहने का मतलब। तो इस तरीके से वो अपना अपना उनका लाइफ डेली रूटीन चलता रहता है। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा, अब हम बात करें कोई बच्चा जब पैदा होता है मतलब, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी स्टेटस में क्यों ना पैदा हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, सिंपल हो, मिडिल क्लास हो, या नॉर्मल हो मतलब, तो जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब, तो ऐसा खड़ा है कि पैदा होने के मतलब जो स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है मतलब, तो उस टाइम में जो बच्चा होता है खासतौर पर वो चलना फिरना सीखता है, अपने पैरों पर बोलना सीखता है क्योंकि वर्ड्स उसने क्लियर नहीं होते मतलब, और चीज़ों को खाना सीखता है क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं मतलब, खाना जब दांत वगैरह निकलते हैं तो खाना खाते हुए चबाना सीखता है उनको मतलब। तो 3 साल तक तो वो यही चीज़ें करता है, लेकिन 4थे साल में जब वो प्रवेश करता है थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है, चलने फिरने लगता है मतलब, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह का स्कूल होता है, पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होकर 5वीं तक, उसके बाद 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, या 6ठी से लेकर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है, वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि स्टार्ट होता है नर्सरी से, फिर KG, फिर LKG, फिर UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए 12th तक, उसके बाद फिर 3 साल में ग्रेजुएशन होता है, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया रहता है, तो वो जो बच्चा होता है हर साल हर क्लास को मतलब अपनी मेहनत लगा परिश्रम से पास करते हुए आगे की क्लास में बढ़ता हुआ रहता है, आगे की क्लास को पास करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बता रहा हूँ कि जो चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, जो 4 साल से लेकर 13 साल तक ये जो स्टेज होता है किसी बच्चे के लिए, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका मन होता है जैसे स्कूल से घर पर आते ही वो कि हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब, गली में होते हैं, क्लास में हो या स्कूल में हो, या तो घर में ही क्यों ना हो, मामा का लड़का हो गया, बुआ के बच्चे हो गए, या चाचा के बच्चे हो गए मतलब, तो जो भी उसके हम उम्र के मतलब उसको दिखता है, वो दोस्ती करता है, फिर खेलता कूदता है मतलब, और खेलने कूदने में ज़्यादा उसको मज़ा आता है मतलब। तो खेलते कूदते कई बार उसको चोट भी लगती है, और कपड़े भी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी भी लगती है, लेकिन चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो सैड होता है, रोता है, लेकिन वापस वो फिर से खेलने कूदने के मूड में आता है, फिर खेलने कूदना शुरू कर देता है। तो ऐसे 13 साल तक चलता है, लेकिन जैसे वो 14 साल में प्रवेश करता है धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, क्योंकि अगर मैं कपड़े गंदे करूँगा तो मम्मी मारेगी, मैडम भी मारेगी, टीचर भी मारेगी, और डांटेंगे भी मतलब, और मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं मिट्टी में तो उसको धोने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है कहने में। तो वो बाहर की चीज़ों को समझने लगता है, वो यह भी देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब जो जैसे दादाजी हो गए नानाजी हो गए, उन्होंने अपने टाइम में जाकर मतलब जो उनका टाइम था तो उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाया, और
फिर कहीं ना कहीं जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी की, और अपने फादर को देखते हैं वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के, और वो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं, तो उसे भी आगे आकर किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के अपना अपने आप को उसमें वो करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर। तो वो देखता है कि आजकल हमारे पास जैसे कि आगे कई सारे फील्ड मतलब कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, और सिंगर, डांसर, एक्टर, और अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हर ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आपका जरूरी है आपका उसमें इंटरेस्ट होना, आपका उसमें दिलचस्पी होना, कहने का मतलब। तो आप बनना तो चाहते हैं, बट जो आपका जो एक दिमाग काफ़ी एक वो है, वीक था, मतलब कि मैं मतलब एक बनना तो मैं ये चाहता हूँ, बट क्या मैं उसे अचीव कर सकता हूँ क्या, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, काफ़ी हार्डवर्क होगा, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो यहीं पर हम बात करेंगे आपके इरादे की, जो आपका इरादा है, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आपका इंटेंशन है आपने लाइफ में बनने का, मतलब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आप उस चीज़ को, उस गोल को लाइफ में प्राप्त कर सकते हो। जरूरत है तो आपको अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को मतलब मजबूत रखने का, स्ट्रांग रखने का, और आपको बस चार पांच रूल्स को फॉलो करना होगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है, टारगेट है, जो भी आपका इरादा है बनने का, मतलब उसको आप इजिली अचीव कर पाओगे। तो जैसे पहला मैं आपको बताऊँ तो वो है, मतलब पहला जो है वो है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी आपके में लाइफ का गोल है या जो भी आपका इरादा है बनने का, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरा जो है आपको उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट यानी फोकस होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा। तीसरा जो है आपको अपना 100% उस चीज़ पर एफर्ट देना पड़ेगा, पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। चौथा आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप जान पाओगे कि आप उस चीज़ में कितने परसेंट अच्छे हो या कितने परसेंट ओके हो या नहीं हो, फिर जितने परसेंट आप ओके नहीं हो और उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, कहने वाला प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को जान पाओगे कि आप कितने परफेक्ट हो चुके हो। क्योंकि बोलते हैं ना इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है किसी भी काम के अंदर। और जो फिफ्थ एंड लास्ट थिंग है वो है पेशेंस यानी धैर्य रखना। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप अपने लाइफ का इरादा बना चुके हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ डॉक्टर या फोटोग्राफर या डांसर या सिंगर, तो हर चीज़ में टाइम लगता है, और कोई भी चीज़ रातों रात या कुछ महीनों में नहीं बन सकते, क्या नहीं, मतलब आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ में पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखोगे आप उस चीज़ को बार बार करोगे, फोकस, हार्डवर्क, प्रैक्टिस, पेशेंस और फोकस करते हुए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, जो आपका मजबूत इरादा है जो बनने का लाइफ में, आपको उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका आगे बढ़ने लगेगा, और आपको अच्छा फील होगा, हैप्पी फील होगा, और आप काफ़ी आगे फिर प्रसन्न भी होगे, मतलब हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आपको आपके लाइफ को, जो भी आपका इरादा है लाइफ में बनने का, आपको उन चार पांच रूल्स को फॉलो करते हुए अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग करते हुए, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं जो भी अपने लाइफ को मेरा ड्रीम, आई कैन अचीव दैट माई ड्रीम्स, एंड इट इज़ पॉसिबल बाय माई एफर्ट, हार्डवर्क, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड फोकस। तो आप इन चार पाँच चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग आपका जो इंटेंशन है, इरादा, जो भी आपके बनने का, आपको एक नए दिन आप अपने लाइफ में जरूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो, कि आपको अपना इरादे को हमेशा मजबूत रखना चाहिए जीवन के अंदर, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए वो दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, मुझसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो।
आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल होगा, जो हमारा मेन थीम वो होगा माता पिता की सेवा, असली सेवा। मतलब जो लाइफ में हम चाहे किसी प्रकार के दूसरे लोगों को सेवा दें, मतलब गरीबों को, मतलब जो गरीब बंदे होते हैं उनको खिलाना, या किसी को कोई चीज़ डोनेट कर देना, कपड़े दान दे देना, किसी को कंबल दान दे देना, मतलब ये सब भी अच्छे अच्छे काम हैं, मतलब अच्छे अच्छे कर्म हैं। मतलब लेकिन आपको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब तुम्हारा आज का मेन वही टाइटल है कि माता पिता की सेवा ही असली सेवा है। जैसा कि आपने महादेव में भी देखा होगा, जो गणेश भगवान जी होते हैं वो अपने मतलब शिव भगवान के पार्वती माता की मतलब सेवा करते हैं, जो उनके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनको ही अपना संसार मानते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब का मतलब आपस में जब एक वो होता है, एक आपस में एक प्रतियोगिता होती है, तो उसमें कि कौन सबसे पहले मतलब जो मतलब ब्रह्मांड का शेयर करके आएगा, पूरे ब्रह्मांड का या पूरे पृथ्वी का शेयर करके आएगा, मतलब तो वही मतलब विजेता माना जाएगा। मतलब तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जो देवी देवता भाग लेते हैं, जैसे मतलब इंद्रदेव होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश भगवान होते हैं, तो सबके पास अपने अपने सवारी होती है। मतलब तो हर कोई कार्तिकेय जी मोर पे बैठ के निकल जाते हैं और पूरे विश्व की भ्रमण करने के लिए, मतलब पृथ्वी का। और इंद्र जी होते हैं, अग्निदेव जी होते हैं, वायुदेव जी होते हैं, तो अपने अपने जो उनकी सवार मतलब जो उनका रथ होता है मतलब उसे बैठ के वो निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी का जो सवारी होता है वो चूहा होता है, और चूहा जो होता है मतलब काफ़ी छोटा, मतलब वो तो छोटा ही होता है, मतलब तो उनको वो कैसे मतलब पूरे विश्व का करे, तो वो लेकिन उनके पास बुद्धि काफ़ी होती है, तो उनकी उनको ये लगता है कि जो उनके पेरेंट्स यानी शिव जी और पार्वती माता जी, मतलब तो उनका जो मेन जो दुनिया है वो उन्हीं के ऊपर है, उनके पेरेंट्स पर ही है। तो वो क्या करते हैं, तीन बार अपने मतलब पेरेंट्स की परिक्रमा कर लेते हैं, शिव जी पार्वती जी जहाँ बैठे होते हैं तो उनकी वो परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ही अपना संसार देखते हैं। मतलब तो जैसा कि मैंने बताया, तो सब जब सारे देवी देवता मतलब देवी तो नहीं थी, मतलब कोई भी देवियाँ नहीं थी, लेकिन जितने भी देवता थे मतलब कार्तिकेय जी, इंद्र जी, वायुदेव जी, अग्निदेव जी और भी दूसरे जो देवता थे, जब प्रतियोगिता समाप्त होती है तो भी जब अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करने का टाइम होता है, तो फिर वहाँ पर अनाउंस शिव जी करते हैं कि जो इस प्रतियोगिता के विजेता हैं वो गणेश भगवान जी हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपना संसार मान रखा है। तो कहने का मतलब हमें अपनी जो सेवा सेवा भावना रखनी चाहिए, पेरेंट्स के प्रति हमेशा रखनी चाहिए और उनकी ही असली सेवा करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मतलब जब हम पैदा होते हैं, मतलब जो कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब तो पैदा होने के बाद जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, मतलब पापा क्या करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं पर जो उनकी करंट कंडीशन होती है या जितनी भी उनकी नॉलेज होती है, मतलब वो अपने कंडीशन के हिसाब से जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पे, और घर को संभालते हैं। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हमें फ्रूट्स ला के खिलाना, हमें दूध देना, हमें अच्छे से मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो उनकी नीड्स को पूरी करना। फिर जो हमारी माता होती है, मतलब वो भी अपने छोटे होते हैं कि वो हमें नहलाती धुलाती हैं, मतलब और हमारी प्रॉपर केयर करती हैं, हमारे हमें टाइम पर हर चीज जो खिलाना होता है उसका ध्यान रखती हैं। मतलब तो मतलब वो बचपन में क्या होता है कि हम छोटे होते हैं तो हमारी काफ़ी सेवा वगैरह करते हैं, मतलब और इस तरीके से जब वो आगे जाकर मतलब बूढ़े हो जाते हैं, मतलब तो जब छोटे होते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है, मतलब उनका कर्तव्य होता है कि वो हमें पाल पोस कर हमारे हर नीड्स को पूरी कर कर वो हमें अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, मतलब ताकि जो वो अपनी लाइफ में मतलब जो अपनी लाइफ में उन्होंने दुख दर्द को या कठिनाइयों को देखा है, मतलब उनके बच्चे अपनी लाइफ में उस कठिनाइयों को नहीं देखे खेलने के, मतलब तो वो हमारे हर नीड्स को पूरी करते हैं, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि मतलब हमारा बच्चा पढ़ लिख आगे एक अच्छा व्यक्ति बन सके, है ना। और वो अपनी खुशियों के साथ मतलब जो अपने छोटे छोटे जो खुशियाँ होती हैं उनको भी वो पूरी नहीं करते हैं हमारी खुशियों के आगे कहने के, मतलब इस तरीके से जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, मतलब कि हम उनका, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, तो कहने में लगे तो हमें उनके बुढ़ापे के लिए ठीक है सहारा बनना, तो ये तो बात रही, चलो मतलब या मतलब आगे जाकर हमें भी उनकी प्रॉपर केयर वगैरह करनी है। लेकिन बिटवीन जो बीच का टाइम होता है, जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब तो पेरेंट्स तो हमारी केयर करते हैं या मतलब हमारे नीड्स को पूरी भी करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो से बता चुका हूँ काफ़ी सारे, कि जो 3 साल से 14 साल 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपन का टाइम होता है, उस टाइम हम शरारते करते हैं, खेलते कूदते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मतलब
और बट हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं मतलब, तो लेकिन जैसे हम 14 साल में प्रवेश करते हैं 14 में प्रवेश करते हैं मतलब, तो हमारी जो सोचने की क्षमता धीरे बढ़ने लगती है मतलब, क्या गलत है क्या सही है वगैरह, हम हर उन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो आपका भी उसी एज से आपको भी ये सोचना चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं आपके माता पिता है मतलब, आपको उनकी सेवा करना चाहिए मतलब, क्योंकि आप 13-14 साल मतलब पेरेंट्स भी धीरे धीरे मतलब अगर 13-14 साल में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके पेरेंट्स भी जाहिर से 40 के आसपास हो गए मतलब, धीरे धीरे वो आगे की एज पे बढ़ रहे होते हैं। तो आपको 3-4 5 ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए आप उनकी सेवा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आप, और ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए मतलब। जैसे कि जब पेरेंट्स थक जाते हैं रात के टाइम मतलब, जैसे माता पिता होते हैं तो सोने के टाइम उनके आप पैरों को दबा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पिता होते हैं बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है स्टैंड तक पैदल जाते हों या काफ़ी चलते फिरते होंगे मतलब, तो उनका शरीर थक गया होता है। तो आप और जो आपकी माता भी होती है मतलब मदर होती है, वो दिन भर घर में घर के सारे काम करना, दादा दादी को खाना मतलब आपको भी खाना देना, घर के नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना तैयार करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं वो डेली के होते हैं मतलब, तो वो भी थक जाते हैं। तो आपको उनके पैरों को दबा सकते हो, और जैसे ही फादर घर में आते हैं मतलब आप उनको एक गिलास पानी दे सकते हो मतलब, पानी के लिए पूछ सकते हो मतलब, दूसरी बात उनको आप चाय के लिए पूछ सकते हो मतलब। और इस तरीके से जब आप सुबह उठते हो मतलब, तो सबसे पहले उठने के बाद अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना मतलब, उनसे ब्लेसिंग लेना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी नाना नानी होते हैं उनके पैरों को छूकर उनसे ब्लेसिंग लेना, तो ये अच्छे संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और उनकी ब्लेसिंग होती है हमें अपने सुबह के टाइम, तो उस ब्लेसिंग के थ्रू हमारी लाइफ का जो जो जितनी भी अड़चने होती है जितनी भी कठिनाइयाँ होती है उसके द्वार, उसके जो बादल होते हैं हट जाते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं कहने का मतलब। इस तरीके से जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना खाने के टाइम देखना कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो मतलब, उनको पानी देना, उनको पूछ लेना कि मतलब जैसे पापा आपको कुछ चाहिए नहीं, मम्मी आपने खाना टाइम पर खाया कि नहीं मतलब, क्योंकि हम भी जब हम स्कूल से आते हैं जब स्कूल लाइफ में होते हैं और जब हम स्कूल से आते हैं तो मम्मी पूछती हैं कि तुमने टाइम पर लंच किया कि नहीं, या जो सुबह 10-10:30 बजे के आसपास जो स्कूलों में लंच का टाइम होता है मतलब, वैसे तो जो प्रॉपर लंच का टाइम होता है वो 1 या 2 बजे ही होता है, लेकिन एक स्कूल में भी टाइम होता है 10-10:30 बजे जो बैल बजती है, तो मम्मी पूछती हैं कि आपने तुमने टाइम पर खाना खा मतलब उस टाइम लंच किया कि नहीं किया, उसके बाद आते आते में कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं मतलब, और फिर खाना आपको निकाल के देती है मतलब। तो आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए मतलब, उन्होंने भी टाइम पर खाना खाया है कि नहीं, उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, और कभी बीमार पड़ती तो उस टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप लड़की हो या आप लड़के भी हो मतलब, तो घर के जो दूसरे काम है जो आप काम कर सकते हो उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करना या खुद करने की कोशिश करना मतलब। तो दूसरे भी कई दूसरे ऐसे काम होते हैं जैसे बाहर की चीज़ों को लेना है, तो कई बार आप छोटे होते हो तो मम्मी जाती हैं बाहर सब्जी लेने के लिए, या अर्जेंटली कुछ मार्केट से लाना होता है, परचून की दुकान से लाना होता है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ रहे थे तो आपको भी उन चीज़ों को उन काम को करने की भी हैबिट डालना चाहिए कि बाहर से कुछ लेके आना सब्जी वगैरह, या परचून की दुकान से या केमिस्ट की दुकान से कुछ दवाई वगैरह लानी है, तो आपको भी उन चीज़ों की धीरे धीरे हाथ डालना, और जो भी आप काम अपने घर में कर सकते हो मतलब, और उसके थ्रू आप अपने पेरेंट की सेवा कर सको मतलब, उसको भी उस काम को भी आपको करना चाहिए मतलब। और आप वो जो भी आपको काम करने का मतलब बोलते हैं मतलब, चाहे वो मतलब जो भी आपको काम करने को बोलते हैं घर से रिलेटेड या आपको आपके लाइफ से रिलेटेड, उसको आपको करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे मैं आपको पहले की वीडियो से बता चुका हूँ कि लाइफ में जो 3 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमें हमेशा अच्छी राह पर ही दिखाते हैं, वो होते हैं माता पिता और गुरु, जो कि मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थे मेरे आज का नया वीडियो, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, और अलग अलग तरह से मैंने आपको तरीके बताए, उनको पानी देना, और जब पेरेंट्स आते हैं मतलब फादर आते हैं उनको पानी देना, खाने पर उनको पानी पूछना, उनको चाय के बारे में पूछना, उनके पैरों को दबाना, सुबह उठते हैं उनकी ब्लेसिंग लेना, घर के जो रिलेटेड काम होते हैं उनको कर देना मतलब, और भी बहुत सारे काम हैं, अगर आप समझोगे जानोगे तो आप उसको भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसे लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।